मैं स्ट्रॉन्गली कहना चाहता हूँ बिग बैंग थ्योरी इस फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। इसको मैं किसी मंच पर सिद्ध करने के लिए तैयार हूँ। तो विज्ञान और धर्म दोनों एक ही है, इसलिए वेद में विज्ञान नहीं बल्कि वेद विज्ञान ही है। अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गायत्री मंत्र क्या है और इसको इतना पावरफुल क्यों कहते हैं? गायत्री मंत्र का जप करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, उसको करना ही है। कोई भाषा ये दावा नहीं करती है, वो मनुष्य पैदा हुआ जब की भाषा, लेकिन हमारा दावा है कि संस्कृत भाषा तब की भाषा जब ब्रह्मांड पैदा। हम गाय को पाल रहे हैं तो गाय बची हुई है, गाय को नहीं पालेंगे शेर को नहीं पालता, शेर कितने दिखते। हाथी पालना बंद हो गया, हाथी कहाँ गए? घोड़े पालना बंद हो गए, घोड़े कहाँ गए? सब मर गए ना, क्या हुआ उनका? तो सब फार्मा कंपनियों का ये जाल है। तो मैं उनको वीगन वाले को उतना ही खतरनाक मानता हूँ जितना खतरनाक मांसाहारी है। जो श्री कृष्ण जी का समय काल था या जो श्री रामचंद्र जी का समय काल था, तब भी क्या साइंस एग्जिस्ट करती थी वेदों के द्वारा? अयोध्या के राजा राम के पास विमान था, वो ऐसा जब चलता था तो जैसे दो सूर्य चमक रहे हो ऐसा प्रकाश होता था, और घटोत्कच और भीम दोनों ने मिलकर स्पेस शटल बनाया था। साइंस में कई बड़ी बड़ी थ्योरी दी गई हैं, स्टीफन हॉकिंग्स ने जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दिया, या बिग बैंग थ्योरी चली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात होती है साइंस में, क्या ये सब चीज़ों का वर्णन वेदों में मिलता है? हमें सृष्टि में रहना है, सृष्टि का उपयोग लेना है, तो हमें सृष्टि के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर अगर गाड़ी के बारे में नहीं जानता है तो गाड़ी नहीं चला पाएगा। फ्रेंड्स, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं आचार्य अग्निव्रत जी, जो कि एक वैदिक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने हमारे प्राचीन वेद और ग्रंथों को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिकोड किया और पूरे विश्व को वैदिक रश्मि सिद्धांत दिया। आज इसरो, DRDO और विदेशों के बड़े बड़े संस्थानों से वैज्ञानिक आकर आचार्य जी से जुड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आचार्य जी की आपत्ति के कारण स्टीफन हॉकिंस जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी ब्लैक होल के प्रति अपनी धारणा बदलने पर विवश हुए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यह पॉडकास्ट। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, आप मुझे टाइम देंगे और मैं आपको वैल्यू। नमस्कार आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टिक इनसाइट्स में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, तो उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। एक्चुअली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने वेदों का अध्ययन शुरू किया और वो भी आपने इसमें काफ़ी समय से रिसर्च किया और वो भी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब की शुरुआत कब और कैसे हुई? मेरा बचपन से स्वभाव रहा है सृष्टि को जानना। मैं विद्यार्थी जीवन से, स्कूल विद्यार्थी जीवन से मैं इस ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहता था और एक वैज्ञानिक बनने के स्वप्न देखता था। परिवार में चौथी पीढ़ी का हूँ, आर्य समाज से जुड़ा। ऋषि दयानंद के समय हमारे परदादा जी आर्य समाज जी बने, और महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के तीसरे नियम में लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक, अर्थात वेद में संपूर्ण विज्ञान है, आध्यात्मिक भी पदार्थ विज्ञान भी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, ऋग्वेदाधिकास पढ़ी, वेदवासी पढ़े, और भी बहुत सारे ग्रंथ 11वीं क्लास में पढ़ लिए थे। परंतु प्रश्न ये उठता था कि क्या ये सब वास्तव में है, और वेदवासी में कहीं के कुछ संकेत मिलते थे, लेकिन सब सत्य विद्याओं का पुस्तक तो बहुत विस्तृत चीज है। केवल ये कहते ऋषि आनंद के सत्य विद्याओं का पुस्तक तब भी ठीक था, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक इसका मतलब ब्रह्मांड की कोई विद्या ऐसी नहीं जिसका वेद में न हो वर्णन, ऐसा ऋषि का कहना है। और महर्षि दयानंद ने अपने मन से नहीं कहा था, भगवान मनु ने सबसे पहले कहा सर्व ज्ञान मयो ईसा, यही बात योग दर्शन में कही, क्यों निरति है सर्वज्ञ बीजम, परमात्मा सर्वज्ञता का बीज है, सब कुछ जानता है। दूसरे ग्रंथों ने कहा, आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा वेद ज्ञान का प्रदीप है, ज्ञान का स्रोत है। तो सब इतने लोगों ने कहा तो सत्य होगा, ऐसा विश्वास करके चलता था, लेकिन कहीं मिलता नहीं था ऐसा, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा और
फिजिक्स मेरा सबसे रुचिकर विषय था और मैं मानता था कि फिजिक्स ही सबका मूल है। केमिस्ट्री फिजिक्स से जुड़ी है, जूलॉजी बॉटनी सारी फिजिक्स से जुड़ी है और संपूर्ण फिजिक्स सृष्टि की व्याख्या करती है। तो ये सब वेद में है तो वो दिखने चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा मैं ही देखूंगा इसको, क्यों मैं संतुष्ट नहीं था अपने अध्ययन से। विद्वानों के बहुत समाज सुधार का बहुत आर्फमान ने बहुत काम किया, लेकिन वेद में सब है। अच्छा सब है इसी के कारण हमें मुझे ये भी विश्वास था कि प्राचीन काल में देश जगत गुरु था तो किसके बल पर था, वेद के बल पर। प्राचीन काल में देश सोने की चिड़िया था तो भी वेद के बल पर। प्राचीन काल में चक्रवर्ती राष्ट्र था तो भी वेद, वह भी वेद के बल पर। तो वेद का स्वरूप बहुत विस्तृत होना चाहिए, कहीं नहीं मिला तो मुझे लगा मुझे ही काम करना चाहिए। तो मैंने शिवरात्रि विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 फरवरी 2006 को एक संकल्प लिया था कि मैं आगामी 12 वर्षों में वेद को सर्वविज्ञानमय और ईश्वरी सिद्ध कर दूंगा, नहीं तो शरीर त्याग दूंगा। शरीर त्याग देंगे? हाँ जी। तभी आर्य समाज के कुछ विद्वान, जिसमें एक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, मनुस्मृति का भाष्य किया, सबसे अच्छी मनुस्मृति का भाष्य उन्हीं का मिलेगा, एक आचार्य सदे जी मथुरा के, और बहुत सारे लोगों ने दबाव डाला कि मृत्यु वाला संकल्प छोड़ो, शरीर त्याग वाला आगे बढ़ा लो। खैर तो मैं इसमें लग गया। अब मुझे कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था कि ये सब होगा कैसे, आपने संकल्प पहले ही नहीं, संकल्प ले लिया, किसी को नहीं बताया जी। शिवरात्रि पर यज्ञ किया और मैं और मेरा सहायक था, दो ही आदमी थे, एक किराए के मकान में रहते थे भिंडमल में, छोटा सा मकान था। जब यज्ञ पूरा हुआ तो मैंने कहा, अमित शास्त्री नाम था उसका, अमित मैंने तो आज यज्ञ में ये संकल्प ले लिया कि गुरु जी आपने बताया भी नहीं पहले से, इतना भीषण संकल्प। और तब आपको ये भी नहीं पता था कि कैसे जाना है आगे, कैसे बढ़ना है, कोई रास्ता नहीं था जी। मैंने बहुत ग्रंथों का स्वाध्याय किया, बहुत शास्त्र आचवी की लेखन भी खूब किया, 15 वर्षों तक लगभग आसमान की पत्रिका लेख लिखता था। अच्छा। जो भी वेद के विरुद्ध बोलता था, ऋषि दयानंद के, आसमान के, देश के विरुद्ध बोलता था, उसका उत्तर मैं देता था, चाहे वो कोई भी हो, मेरे बहुत लेख छपते थे। लेकिन इस दृष्टि से मैं हमेशा मौन रहता था कि जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं है कहीं भी, जो ऋषि दयानंद ने दावा किया वो कहीं मिल नहीं रहा है, उसको खोजना चाहिए। ऋषि दयानंद को बहुत कम ऐसे में मिला, एक जगह रह नहीं पाए, घूमते 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 कितना उन्होंने काम किया, देश की दशा को देखा, देश आदि क्रांति का, एक क्रांति का सूत्रपात किया, समाज सुधार का या स्वराज्य का, इतने काम थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे मुझे इसी काम में लगना था। तो मैंने वो संकल्प ले लिया। उससे ही पहले मैं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंस में भाभा एटम रिसर्च वहाँ बेंगलोर में गया था, वहाँ से भाभा एटम रिसर्च सेंटर के एक साइंटिस्ट रिटायर्ड और एक NPCIL के एडिशनल चीफ इंजीनियर, उन्होंने मेरा व्याख्यान सुना, 320 वक्ता थे, उनमें से कहा कि आपका वक्तृत्व हमें सबसे अच्छा लगा, हम आपको बॉम्बे ले जाना चाहते हैं भाभा एटम रिसर्च सेंटर। तो मैं वहाँ आया, उन लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, ऐसे लेखन करता हूँ, कभी प्रवचन दे दिया, कभी सभाओं में चले गए, जनसभा में को संबोधित कर दिया, कभी वेद कथा कर दी, कभी वाल्मीकि रामायण कथा कर दी। तो उन्होंने कहा आपने ये रिसर्च पे अभी जो पत्र वाचन किया वो कैसे लिखा, मैंने वैसे मन हुआ तो लिख दिया, उन्होंने कहा मन हुआ लिख दिया, वो पेपर यहाँ सबसे अच्छा रहा, 7 देशों के लोग हैं, 2004 की बात है, 9 अगस्त 2004, अगर आप इसी दिशा में लगेंगे तो आप कितना काम कर सकते। तो उन्होंने मुझे प्रेरित कि आप सब काम छोड़ दें, मैं भी आर्य समाज का पहले जैसे पंडित जी प्रचार कर रहे मैं भी करता था, लिखता था। उन्होंने कहा कि आप सब काम छोड़ के इसमें लग जाए। तो मुझे वहाँ से शुरुआत में फिर मैंने संकल्प किया और वो संकल्प पूरा भी हो गया। वेद विज्ञान आलोक से ये सिद्ध हो जाता है कि वेद ईश्वरी है, और ये भी सिद्ध हो जाता है वेद विज्ञान आलोक से वेद में संपूर्ण विद्या है। अच्छा, तो आपने वेद विज्ञान आलोक को पूरा मतलब एक तरह से रचना कर दी उसकी पूरी। वो उसका क्रम ये रहा कि मैं, मुझे पता नहीं था ये कैसे करना है, पहले मैं सोचता था सृष्टि का एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, उसका मैंने खंडन किया था वहाँ, और मेरा प्रश्न का किसी के पास उत्तर नहीं था वहाँ। तो मैंने सोचा सृष्टि उत्पत्ति पर ही मैं लिखूँ, आगे बढ़ूँ,
लेकिन मुझे दूसरे विद्वानों के भाष्यों पर निर्भर रहना पड़ता, उनके भाष्य मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, तो मुझे लगा इनके आधार पर हम दुनिया को जीत नहीं पाए, वेद को ईश्वरी सर्व विज्ञान में सिद्ध नहीं कर पाए, एक थ्योरी खंडित कर दे तो क्या हुआ, साइंस में तो बहुत है। फिर मुझे ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक पाठ्यक्रम रखा है कि ये पढ़ना चाहिए, 21 वर्ष का पाठ्यक्रम नहीं, तो उसको मैंने स्वयं ही पढ़ना शुरू किया कि मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं जिस ढंग से मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो उस पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम कहीं है ही नहीं आज। उस क्रम में ऐत्रेय ब्राह्मण की बारी आई, ऋषि दयानंद ने लिखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के व्याख्यान ग्रंथ, तो व्याख्यान ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे तो वेद समझ में आएंगे। पहला ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, जो लगभग 7,500 वर्ष पुराना, ऐत्रेय महिदा जी द्वारा लिखा ऋग्वेद का ब्राह्मण है। अब उसका मैंने सारण, आचार्य सारण का किया हुआ भाष्य मंगाया, हिंदी अनुवाद था डॉक्टर सुधाकर मालवीय जी का, बनारस से प्रकाशित है। उसमें तो देखा पशु बलि, नर बलि, मांसाहार, हिंसा सब कुछ, तो मैं तो घबरा गया, क्योंकि अगर ऐत्रेय ब्राह्मण समझ में नहीं आता है तो फिर वेद समझ में नहीं आएगा, वेद समझ नहीं आएगा तो मुझे शरीर त्याग करना पड़ेगा। बहुत लोगों से संपर्क किया, आर्य समाज के विद्वानों से, दूसरों से भी, सबने कहा कि इस दिशा में आपको कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों को कोई समझता ही नहीं। 2 महीना में बहुत बेचैन रहा, इतना बड़ा संकल्प लेना और ग्रंथ ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आ रहा कुछ, सारा पलटा, चिंतन करता रहा, परमात्मा ने ऐसी दिशा दिखाई ध्यान साधना द्वारा, एक एक रहस्य खुलते गए, एक एक करने का, फिर मैंने आगे पीछे नहीं सोचा, करने का सीधा भाष्य करता रहा और वो संकल्प पूरा हो गया। तो सर जैसे कि आप लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं वेदास के लिए कि वेदास पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने वेदों को, तो आखिर क्या ज़रूरी है कि हर व्यक्ति वेदों को जाने ही, क्या बहुत ज़रूरी है कि इसका अध्ययन करना ही चाहिए हर व्यक्ति को? भगवान कृष्ण जी ने गीता में कहा नहीं, ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर पवित्र वस्तु इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। मनुष्य में और पशु पक्षियों में ज्ञान का ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, स्वाभाविक ज्ञान इसमें कम होता है, लेकिन नियमित इसको नियमित ज्ञान बाहर से लेना पड़ता, स्वाभाविक ज्ञान में पशु हमसे आगे। एक जिस जो पशु रेगिस्तान का है, जो कोई पानी में नहीं जाता, ऊँट, उसको भी यमुना में छोड़ दो तैर जाएगा, लेकिन यमुना के किनारे रहने वाले किसी मल्लाह का बेटा अगर उसने तैरना नहीं सीखा तो वो डूब जाएगा, तो स्वाभाविक ज्ञान में तो हमसे आगे। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान केवल मनुष्य के लिए होता है। दूसरी बात, ज्ञान क्यों लेना चाहिए, ये आपके जो सारे स्टूडेंट हैं इनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, तो मैं इनका उपयोग भी नहीं कर सकता, करूंगा तो इनको खराब ही करूंगा। हमें सृष्टि में रहना है, सृष्टि का उपयोग लेना है, तो हमें सृष्टि के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी का ड्राइवर अगर गाड़ी के बारे में नहीं जानता है तो गाड़ी नहीं चला पाएगा, और उसके मैकेनिज्म थोड़ा बहुत जानेगा तो कहीं खराब हो गए तो ठीक भी कर लेगा, लेकिन वो नहीं जानता तो वो ठीक नहीं कर पाएगा, मिस्त्री की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो जिस वस्तु का हम उपयोग लेना चाहते हैं, हमें उस वस्तु का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही हम अच्छा उपयोग कर पाएंगे, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। वेद में सारी सृष्टि का ज्ञान है। अब सृष्टि को सबसे अच्छा वही बता सकता है जिसने बनाई है। आपने कोई पदार्थ बनाया, मोबाइल बनाया किसी ने, तो सबसे ज्यादा मोबाइल के बारे में वो अच्छा बता पाएगा। तो सृष्टि के बारे में, सृष्टि तो किसी मनुष्य ने बनाई नहीं, वो ईश्वर ने बनाई है, तो ईश्वर ही सबसे अच्छा बता पाएगा। तो ईश्वरी ग्रंथ है वेद, इसलिए वेद सबको पढ़ना चाहिए ताकि उस सृष्टि को जाने, सृष्टि में कैसे राजा ये जाने, और कैसे रह के परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, अपना कैसे साक्षात्कार किया जाए, ये वो जाने, इसलिए वेद पढ़ना चाहिए। मतलब जैसे हर चीज, जैसे आज की डेट में लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसकी मैनुअल होती है, तो वेद सृष्टि की मैनुअल है एक प्रकार से। बिल्कुल, उसको देख के हम जान सकते हैं कि हमको क्या करना, कैसे करना, क्यों करना है। मैनुअल में तो केवल यही जानकारी है, वेद में तो यह भी जानकारी है सृष्टि कैसे बनी है, उसके कौन कौन से कंटेंट हैं, कैसे कैसे कौन कौन सी तरंगें क्या क्या काम कर रही हैं, प्रलय कैसे होता है, वो सारा है मैनुअल में। तो केवल उसके उपयोग की विधि है, इसमें तो उसके बनने की भी विधि,
मिलने वालों में किसी पदार्थ के बनने की विधि नहीं है, खाली प्रयोग की विधि है, ऊपर ही जाना बहुत थोड़ा। लेकिन वेद में तो इससे बनने की विधिवत क्रमबद्ध व्याख्या है वेद में। उससे क्या होगा, एक तो उसमें उपयोग करेगा, कैसे उपयोग करेगा, जैसे मान ली सूर्य के बारे में हमें जानकारी, तो सूर्य की किरणों से हमें क्या लाभ लेना ये जानेगा। दूसरा, वेद से ये जानकारी होगी कि हम सब प्राणी एक ईश्वर की संतान, तो सब प्राणियों को भाई मान के, बहन मान करके उनके साथ व्यवहार कर सकेगा। ये सृष्टि परमात्मा की बनाई है तो ये जान के व्यवहार करेगा कि हमारा अपना कुछ भी नहीं, सब ईश्वर का है, इसलिए त्यागपूर्वक उपभोग करो इस सृष्टि का, अपना मत कहो, परमात्मा का है, त्याग से त्यागपूर्वक भोग करेगा अर्थात सारे समाज को लेके चलेगा तो संसार में सुख होगा। इसलिए वेद को अवश्य समझना चाहिए। जैसे आचार्य जी आपने कहा है कि वेदों में साइंस भी दी गई है, और बहुत अपन जो आज की आधुनिक साइंस है उससे बहुत आगे की साइंस दी गई है, लेकिन वहीं मैंने बहुत से लोगों के वीडियोज़ भी देखे हैं, कई लोगों का ये कहना है कि वेद में कोई मॉडर्न साइंस की बात नहीं की गई है, वेदों में तो सिर्फ मन, प्रकृति और आध्यात्म इन्हीं चीज़ों की बात की गई है, बाकी अगर बात साइंस की है तो ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। वेदों में साइंस की बात कही गई है, ये वाक्य पूरा सही नहीं है। पूरा सत्य ये है कि वेद साइंस ही है जी। जैसे कोई मुझे कहता है कि आप वेदों में से विज्ञान खोज रहे हैं, तो मैं उसे ये कहता हूँ कि समुद्र में से कोई पानी खोजेगा क्या, सारा समुद्र ही पानी है। तो वेद साइंस ही है, विज्ञान ही है। अब विज्ञान दो प्रकार का होता है, विज्ञान और धर्म, दोनों पर्यायवाची। धर्म का मतलब जो सनातन है, सदा से आया है, बाकी तो मजहब है, संप्रदाय है, मत पंथ है। धर्म किसको कहते हैं, ध्रियते अनेन लोकः, जिससे इस लोक को धारण किया जाता है, इस लोक अर्थात सारी सृष्टि को। और भीष्म पितामह ने महाभारत में कहा, धारणा धर्म मिथ्याओ धर्मेण विन्द्रता प्रजाः, धारण करने से धर्म कहलाता है, क्योंकि धर्म ने ही प्रजा को सम धारण कर रखा है। प्रजा क्या है, जो पैदा होता है वो प्रजा, हम सब प्रजा है, जीवात्मा नहीं, शरीर, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, तारे, ये सारे प्रजा है, इनको जो धारण करता है वो धर्म है। अब साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, विज्ञान वो है जिसके नियमों से संसार चल रहा है, संसार बना है, तो धर्म और विज्ञान हो गए। अब विज्ञान पे जाए तो विज्ञान दो प्रकार का होता है, ये तो चेतन का विज्ञान है, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, मोक्ष के विषय में, ये चेतन का विज्ञान है, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिक विज्ञान। और एक जड़ पदार्थों का विज्ञान, सारे ब्रह्मांड का विज्ञान, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी, जूलॉजी है, बॉटनी है, ये सब ये है जड़ पदार्थ का विज्ञान, इसको वर्तमान अवस्था में साइंस कह देते हैं। तो विज्ञान और धर्म दोनों एक ही है, इसलिए वेद में विज्ञान नहीं बल्कि वेद विज्ञान ही है, दोनों प्रकार का विज्ञान उसमें। और जो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उनसे ये पूछा जाए आपने वेद पढ़े, वो कहते वेद में मंत्र है, हाँ मंत्र ही तो है, मंत्रों से ही सृष्टि बनी है, आपका शरीर भी मंत्रों से बना, मेरा शरीर भी मंत्रों से बना, वायुमंडल का एक एक अणु मंत्रों से बना है, सूर्य की तरंग इसकी जो किरण आ रही है वो भी मंत्रों से बनी है, ये प्रकाश के कण आ रहे हैं ना, फोटोन जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, उसमें 360 प्रकार के मंत्र, अच्छा 360 प्रकार की रश्मियां उसमें, 360 नहीं, फोटोन से बड़ा फंडामेंटल पार्टिकल माने जाते हैं फोटोन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स। इलेक्ट्रॉन क्वार्क में 480 प्रकार की रश्मियां हैं, वो वेद रश्मियां ही, कुछ वैदिक मंत्र है, कुछ प्राण रश्मियां हैं, कुछ छोटी मरुद रश्मियां हैं, कुछ ओम है, वो ओम तो है सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है। अच्छा, तो जो मन जो वो कहते हैं वेदों मंत्र है, मंत्र ही है, मंत्रों से सृष्टि बनी है। अब मैं समझाऊं कि कैसे बनी मंत्रों से, तो वे उन लोगों को आप कह सकेंगे, सबसे पहले पदार्थ बिल्कुल शांत, सृष्टि जो बनती है, जो प्रकृति की आपने बात की, उनको ये पता नहीं प्रकृति क्या है, प्रकृति उस पदार्थ का नाम है जिसका कभी नाश नहीं होता और जिससे परमात्मा सृष्टि बनाता है।
प्रकृति के महाभारत में 30 नाम दिए हैं, जिसमें 21 नाम महादेव जी ने दिए हैं और 9 नाम ब्रह्मा जी ने दिए, या इसका उल्टा मान लीजिए 30 नाम। एक नाम एक स्वरूप की का वर्णन करता, प्रकृति का अर्थ है स्वाभाविक, वैसा रहना स्वभाव है पदार्थ। ऊपर पत्थर रखा है, उसका नीचे गिरना स्वभाव है गुरुत्व बल के कारण, तो जैसा रहना स्वभाव है वह है प्रकृति। उस पदार्थ का स्वरूप क्या होता है, भगवान मनु ने कहा मनुस्मृति में, अंधकार से ढका, पूर्ण शांत, कोई मास नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई गति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रस नहीं, कोई गंध नहीं, कुछ भी नहीं, उसका नाम है प्रकृति। इतना अंधकार जिससे जैसा अंधकार कभी भी कहीं भी नहीं हो सकता। पृथ्वी के केंद्र में चले जाइए, अंदर चले जाइए, अंदर पैक हो जाइए, फिर भी अंधकार नहीं होगा, वहां भी फोटोन है, लेकिन प्रकृति में ना फोटोन है, ना कोई स्पेस है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ। पदार्थ का वह सूक्ष्म रूप है जिससे सूक्ष्म रूप होता नहीं। और उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जैसे आप अगर दही से मक्खन बनाए तो सबसे पहले क्या करें, हलचल करेंगे, दही हलचल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हलचल बढ़ती जाएगी मक्खन ऊपर आता जाएगा, तो प्रकृति में हलचल हुई। अब हलचल क्या है, हलचल ध्वनि का एक रूप, साउंड की परिभाषा फिजिक्स में ठीक ठीक मालूम नहीं किसी को, साउंड की परिभाषा, साउंड की परिभाषा वो कहते हैं साउंड इज ए प्रेशर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक एकॉस्टिक नाम की पुस्तक अमेरिकी साइंटिस्ट होगी यहां से मैं बोल रहा हूं आपके पास आवाज जा रही है, तो इस प्रकार से प्रेशर के रूप में जा रही है, उसमें पार्टिकल इधर उधर हटते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्रकृति जो शांत था पदार्थ, उसमें डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो हलचल हुई वो है ध्वनि। अब यहां तो मीडियम ध्वनि का हवा है, कई मीडियम इसमें बजाएंगे तो लकड़ी या ध्वनि, पानी में आवाज करेंगे तो पानी मीडियम बन जाएगा, लकड़ी, ये लकड़ी मीडियम हो जाएगा, लकड़ी में ध्वनि का मीडियम लकड़ी हो जाएगी। तो अब इसके बाद क्या है, आकाश में जो ध्वनि है, देखो रेडियो में कहाँ से कहाँ आ रही है, उनके लिए हवा की जरूरत नहीं है, कोई ठोस पदार्थ की जरूरत नहीं, कोई तरल पदार्थ की जरूरत नहीं, वो आकाश में आ जाती है। तो आकाश में जो ध्वनि गमन करती है वो मध्यमा कहलाती है। इन दो को तो साइंस जानता है, लेकिन आकाश से भी आगे एक मनस तत्व होता है, हमारे अंतःकरण का एक भाग है मन, वैसा ही मन समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त, उसमें जो ध्वनि चलती है उसका नाम पश्यंती होता है, उसको हम किसी यंत्र से ग्रहण नहीं करते। और उसके बाद हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, मुंह से बोला कान तक गया वो बैखरी ध्वनि, बैखरी ध्वनि, कान के पर्दे से मस्तिष्क के केंद्र तक जो ये केंद्र सुनने वाला उसमें जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, उसका मीडियम स्पेस होता है, स्पेस नहीं तो सिग्नल नहीं हुआ, वेव चलेगी नहीं आगे। लेकिन मस्तिष्क भी तो मांस का पिंड है, वो थोड़ी सुन सकता है, माइंड सुनता है, मन सुनता है, लेकिन वो वहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में नहीं जाता, वहाँ वो जाती है पश्यंती रूप, उसको पश्यंती कहते हैं, उसे टेक्नोलॉजी से नहीं देखा जा सकता अभी तक तो। लेकिन मन भी जड़ है, आत्मा है चेतन, तो आत्मा तक जो वाणी जाती है उसको कहते हैं पराध्वनि। तो पराध्वनि का जो मीडियम है वो प्रकृति है, पश्यंती का मीडियम है मन, मनस्तत्व जो समूचे ब्रह्मांड में आता, और मध्यमा का मीडियम है स्पेस आकाश महाभूत, और वैखरी का मीडियम है ठोस द्रव और तरल पदार्थ। तो प्रकृति का वर्णन वेद में है, ये भी साइंस की बात है, मंत्र का मंत्र वेद है, यह भी साइंस की बात है, क्योंकि वो ध्वनि जो हलचल हुई वही मंत्र थे, सबसे पहली ध्वनि हुई वो ओम ध्वनि थी, ओम ध्वनि। तो ये ओम जो है, कई लोग कहते हैं कि ओम ईश्वर है, या फिर ओम एक सबसे पहला शब्द है जो ब्रह्मांड में उत्पन्न हुआ, तो ये क्या चीज है मतलब? ओम एक ऐसा शब्द है जो ईश्वर का भी नाम है, वो ध्वनि भी, इसलिए उस ध्वनि का नाम भी ओम हुआ और ईश्वर का नाम भी हुआ। हम पूछे ईश्वर का नाम ओम क्यों है,
ऐसो ईश्वर ओम के 24 वो अर्थ होते हैं। अवरक्षण धातु से बनता है, उसके 19 अर्थ हैं, लेकिन एक एक धातु के दो दो तीन तीन अर्थ भी हो जाते हैं, ऐसे 24 अर्थ हैं। लेकिन सबसे पहले जो सावन उत्पन्न होती है वो ईश्वर के द्वारा सीधा उसका संबंध तरंगों के विषय में, रश्मि के विषय में तो सोचते हैं, पहले रश्मि होती क्या है? महर्षि यास्कंद निरुक्त में लिखा है रश्मिर यमनात्, यमन करने से किसी चीज को नियंत्रित करने, रश्मि अपने से बड़ी रश्मि को नियंत्रित करेगी और अपने से बड़ी रश्मि को पैदा भी करेगी। देखा हो आपने समुद्र में लहरें उठती हैं तो बहुत बड़ी लहरें होती हैं, उन लहरों के अंदर भी लहरें चल रही होती, फिर उनमें भी छोटी लहरें होती, लहर में लहर, लहर में लहर, ऐसा होता है। तो प्रकृति में सबसे पहले वो सूक्ष्म लहर उठी, ओम जैसे जो बोलते हैं आज, जो वेद पाठी जो परंपरा से वेद पाठ कर रहे हैं ब्राह्मण, वो वेद पाठी वास्तविक ध्वनि है, इस कॉस्मोलॉजिकल ध्वनि है। हमारे काम से वेद पाठियों का महत्व बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो कॉस्मोलिक परमात्मा का संगीत सुना रहे हैं, उसी रूप में पैदा होता है ब्रह्मांड को। तो ओम जो जैसे उच्चारण करते वैसा ही उच्चारण वहां हुआ, लेकिन वो सुनने लायक नहीं था क्योंकि परा में हुआ था, परा रूप में हुआ था, और वो सीधा ईश्वर से प्रेरित था, ईश्वर ने किया। जैसे यहां से कि पानी की थाली में पानी, एक थाली में पानी भर लीजिए और यहां से थोड़ा यहां टच करिए, लहरें उत्पन्न, तो परमात्मा तो टच नहीं करता, वो तो सब जगह है, लेकिन वो सबसे पहले स्पंदित करता प्रकृति को, उस सबसे पहले स्पंदन का नाम है ओम, और वही रश्मि है। ओम रश्मि से क्या होता है, ओम रश्मि से जो प्रकृति के सतोगुण रजोगुण दो जागृत हो जाते। तो ओम ऐसी प्रकृति जिसमें ओम है और सतोगुण रजोगुण जागृत हो, उसको कहते हैं काल। जैसे काल अनंत है, काल अविनाशी है, पर पहले अव्यक्त रहता है प्रलय अवस्था में, यहां से काल व्यक्त हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट तब भी रहता है लेकिन तब प्रेरक का काम नहीं करता। काल केवल एक समय अवधि को मापने की वस्तु नहीं है, काल एक पदार्थ भी होता है। अथर्ववेद में पूरा काल सूक्त है, 103 काल पर है, तो काल काल्पनिक नहीं है, उसको कहते हैं काल। फिर वो प्रेरित करता है संपूर्ण प्रकृति को, तमोगुण भी जागृत हो जाता है, तमोगुण भी, तीनों गुण जागृत हो जाएंगे तो उस पदार्थ अवस्था को कहा जाता है महत, महत तत्व सांख्य दर्शन की भाषा में। तो जब महत्व बन रहा होता है तभी एक पदार्थ और पैदा होता है, बुद्धि तत्व, जो हमारे लिए काम आएगा, जीवात्मा जो शरीर धारण करेंगे, मनुष्य या पशु पक्षी सब में बुद्धि तत्व होता है, कम ज्यादा, उस सब बुद्धि तत्व भी होता है। सत्व प्रधान, सतोगुण प्रधानता होती है वो ये बुद्धि तत्व बनता है, और रज और तम की प्रधानता होती है वो महत्व बनता है, वो सृष्टि बनने में काम आता है। जो बुद्धि तत्व वाला सृष्टि बनने में काम नहीं आता, वो हमारे साधन के लिए मिलेगा बाद। फिर उसमें प्रकृति के अक्षर रूप है, उसमें अक्षर अ क ख ग ये सारे स्पंदन शांत रहते हैं प्रलय अवस्था में, ओम की ध्वनि होते ही अक्षर व्यक्त हो जाते हैं, उसको वो महत्व अवस्था होती। फिर शब्द व्यक्त होने लगते हैं, जुड़ जुड़ के अक्षर शब्द बने, मनस वो मैं अहंकार मन कहलाता है। इसमें थोड़ा सा अंतर है, अहंकार बुद्धि और मन में, अहंकार मैत को मान लीजिए कच्चा, अहंकार को माने आधा पकाम, और मनस तत्व माने पकाम खाने लायक। मनस तत्व में फिर स्पंदन होते, सारे वेद मंत्र प्रकट हो जाते हैं स्पंदन। ये वेद मंत्रों की और वेद की भाषा की संसार में विशेषता, संसार में ब्रह्मांड में विशेषता है। कोई भाषा ये दावा नहीं करती वो मनुष्य पैदा हुआ जब की भाषा, लेकिन हमारा दावा है कि संस्कृत भाषा तब की भाषा जब ब्रह्मांड पैदा हुआ, और वो वैदिक भाषा, लौकिक भाषा में तो थोड़ा अंतर है पर है वो संस्कृति। तो वेद कॉस्मोलॉजिकल भाषा, वेद की भाषा, तो वो मंत्र कहते हैं वेदों में मंत्र है, हाँ मंत्र ही था, मंत्र तो तुम्हारे शरीर में, उनको वो मंत्र तो तुम्हारे शरीर में भी, मंत्र सूर्य में भी है, मंत्र तारे में भी है, मंत्र क्वार्क में भी है, मंत्र इलेक्ट, मंत्र कहा नहीं, मंत्रों से सृष्टि बनी है, स्पंदन से सृष्टि बनी है। वो स्पंदन क्या है, वे मानते हैं जॉन ग्रेविन, एक अमेरिकन साइंटिस्ट,
उन्होंने कहा डार्क मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी ध्वनि तरंगें होती हैं। बिग बैंग वाले मानते हैं कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, उसमें जो फ्लक्चुएशन हुआ टेम्परेचर का, वो ध्वनि साउंड वेव से होता है। अब वो कौन सा साउंड वेव नहीं थे मालूम, उनको नहीं पता वो कौन सा साउंड वेव, हर कण से ध्वनि गूंज रही है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जाए तो इस लाइट में से हमें गायत्री मंत्र सुनाई देगा और भी मंत्र सुनाई देंगे। पर हमारी टेक्नोलॉजी का स्थूल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉन पर आधारित है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी, फोटोन पर आधारित, इससे नीचे जा नहीं पाती हम उस ये उससे ले छोटे लेवल के बाद। तो आपने जैसे चीज़ें बताई, मतलब हर चीज़ वाइब्रेट हो रही है, वाइब्रेशन सब में है, और ओम सबसे पहले आए और ओम से चीज़ें वाइब्रेट हुई। जैसे आपने एक प्रकार से लहरों का बताया, छोटी छोटी लहर मिलकर बड़ी बड़ी लहरें प्रकट कर देती हैं, तो इस टाइप से। तो अभी जैसे आपने एक बात कही गायत्री मंत्र के बारे में, अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गायत्री मंत्र क्या है और इसको इतना पावरफुल क्यों कहते हैं? गायत्री मंत्र गायत्री छंद का नाम है, इसका देवता सविता है। इसको गायत्री मंत्र तो मनुस्मृति मिला, सावित्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र नहीं है इसका, सावित्री मंत्र नाम है क्योंकि इसका देवता सविता है, लेकिन उसका छंद गायत्री है। और गायत्री छंद यहां से तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से गायत्री है, भूर्भुवस्व गायत्री का भाग नहीं है, ये अलग से छंद है, वो ओम भूर्भुवस्व अलग छंद है और दोनों मिल करके फिर वो गाय तत्सवितुर्वरेण्यम से गायत्री मंत्र गायत्री है, दोनों मिल जाते हैं। इसकी महिमा यह है आध्यात्मिक दृष्टि से है कि इसमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों है एक साथ। स्तुति में क्या होता है, ईश्वर के गुणों का वर्णन, प्रार्थना में कुछ ईश्वर से प्रार्थना करना, मांग करना, याचना करना, और उपासना उसके निकट अनुभव करना, इसमें तीनों बातें आ जाती हैं। भू है ईश्वर प्राण स्वरूप है, और दूसरा भू का अर्थ भूलोक का स्वामी है, अर्थात जितने अब प्रकाशित लोक हैं ब्रह्मांड उनका स्वामी है, और भू का अर्थ सत स्वरूप सदैव रहने वाला जिसकी सत्ता रहे, ये तीन अर्थ भू से आ गए, ईश्वर के गुण बताए। भूव भूवा का अर्थ आकाश अंतरिक्ष लोक का स्वामी, और भूवा का अर्थ अपान स्वरूप, और भूवा का अर्थ दुख विनाशक, ये भी उसके स्तुति हो रही है, गुण बताए जा रहे हैं। स्वर्थ ये जो जितने चमकीले लोक हैं, दिवलोक का स्वामी, जितने प्रकाशित लोक हैं, जितने तारे हैं उनका स्वामी, और आनंद प्रदाता तत् उस सवितु सविता था सकल जगत को उत्पन्न करने वाले और संपूर्ण सृष्टि को प्रेरणा देने वाले और हम सबको शुभ कर्मों की प्रेरणा देने वाले हैं, वरेण्य वरण करने योग्य भर्ग पाप नाशक तेज का धीमे हम उसको धारण करें। अच्छा, ये प्रार्थना होगी, धारण करने उपासना होगी, हम उसको हृदय में या अनुभव करें। प्रार्थना धीय जो हमारी धी को, धी कहते हैं बुद्धि को और कर्म को, बुद्धि और कर्म दोनों को प्रचोदय अच्छी प्रकार प्रेरित करे ताकि हम अच्छे मार्ग पर चलते रहें। इसलिए इसको महत्व इसलिए दिया जाता है कि इसमें तीनों ही स्तुति प्रार्थना उपासना, अन्य मंत्रों में किसी में स्तुति है तो किसी में प्रार्थना ज़्यादा है, किसी में उपासना ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि गायत्री जो छंद है वो सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सबसे प्रथम छंद गायत्री ही है, ओम भी गायत्री। अच्छा, गायत्री 56 प्रकार, गायत्री कई प्रकार का होता है, 8 प्रकार का, दैवी गायत्री, प्राजापत्या गायत्री, याजुषी गायत्री, आर्षी गायत्री, आर्ची गायत्री, सामनी गायत्री, ब्राह्मी गायत्री और आसुरी गायत्री, 8 गायत्री। ओम है, भू है, स्व है, ये दैवी गायत्री, जिसमें एक स्वर हो केवल वो दैवी गायत्री। अब ये जो गायत्री है प्रसिद्ध गायत्री, इसमें 24 अक्षर होते हैं, इसको कहते हैं आर्षी गायत्री। आसुरी गायत्री है उसमें 15 अक्षर होते हैं, तो गायत्री कई प्रकार की है। तो एक तो गायत्री सबसे पहला छंद है सृष्टि का, और गायत्री का रंग श्वेत होता है। गायत्री में तेज विद्युत
ये शक्तियां अधिक होती है। गायत्री और त्रिष्टुप जो दो बलवान छंद है, इनसे सृष्टि में बहुत बल पैदा होता है, लेकिन बहुत भेदक तोड़ फोड़ करने वाले बल दूसरी रस्म में होती है। तो यहाँ गायत्री आध्यात्मिक दृष्टि से यही है कि तीनों प्रकार का ईश्वर की पूजा के जो तीन विभाग ऋषि दयानंद ने कहे, स्तुति प्रार्थना उपासना, वे तीनों एक साथ गायत्री मंत्र में आए होते हैं, इसलिए इसके महिमा अधिक है। मतलब ये है कि एक प्रकार से जब ये इतनी शक्तिशाली है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके अंदर भी एक बहुत अच्छी एनर्जी डेवलप होगी और आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, क्योंकि हर कुछ वाइब्रेशन ही है, आपके सबके अंदर वही मंत्र ही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और उठती है सवाल, कि जैसा कि आपने कहा कि सबके अंदर मंत्र ऑलरेडी चल रहे हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो चाहे ओम हो, तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि मतलब गायत्री मंत्र हर किसी को नहीं करना चाहिए, या महिलाएं नहीं कर सकती, पुरुष कर सकते, या ऐसे अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि कौन कर सकता कौन नहीं। तो फिर ये तो उस चीज़ में फिट नहीं बैठता, क्योंकि हर कोई कर सकता है फिर तो उस हिसाब से, क्योंकि सभी के अंदर गायत्री है, सभी के अंदर ओम है। हर किसी का अधिकार है, अधिकार ही नहीं कर्तव्य है। अधिकार तो ऐसा ये है कि मुझे अधिकार है, मैं करूं अथवा नहीं करूं, मेरा अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र का जप करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, उसको करना ही है। महिला है, पुरुष है, चाहे वो किसी वर्ग का है, किसी भाषा का, किसी देश का, और यहाँ का नहीं, ब्रह्मांड में कहीं भी मनुष्य रहता, एलियंस जो भी रहते हैं, कहीं भी रहते हो, अगर वो हमारे जैसे बुद्धिजीवी हैं, सबके लिए यही वेद है, सबके लिए यही गायत्री मंत्र, सबकी सबका धर्म यही है सनातन जो हमारा है। ये जो सनातन धर्म है, वैदिक सनातन धर्म है, वो हिंदुओं का नहीं है। हिंदू शब्द ही बहुत नवीन है, दूसरों का दिया हुआ, आर्य शब्द है हमारा। रामायण में तो धारावाहिक में देखें तो सीता जी क्या कहती है श्री राम को, आर्य पुत्र, कैकेयी कौशल्या जी क्या कहती है महाराज दशरथ को, आर्य पुत्र। महाभारत में देखें तो आर्य पुत्र, और वेद में अहम भूमि अददा आर्याय, ये भूमि आर्य को देता हूँ, श्रेष्ठ को देता हूँ। तो हर व्यक्ति को आर्य आर्य गुणवाची है, श्रेष्ठ व्यक्ति, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनने का अधिकार है, बनने अधिकारी कर्तव्य है। इसलिए अगर कोई ऐसा कहता है कि वेद मंत्र महिला नहीं पढ़े, गायत्री मंत्र नहीं पढ़े, तो ये एक अपराध, ईश्वर के प्रति अपराध, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि बनाई सबके लिए, बने सूर्य बनाया सबके लिए बनाया, तो ज्ञान का सूर्य वेद बनाया वो सबके लिए क्यों नहीं, मतलब ये रास्ते तो सबके लिए ही खुले हैं, वो सबको करना ही चाहिए। अब ये सोचिए वेद में तो ऋषिका है, अच्छा सीता जी, कौशल्या जी, सावित्री, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये तो बड़ी बड़ी ऋषिका होती थी। वेद मंत्र नहीं पर ऋषिका कैसे बनेंगे, बड़ी बड़ी गार्गी को ब्रह्मचारिणी गायत्री ने महर्षि याज्ञवल के शास्त्रार्थ किया था, उपनिषद में आता है बृहदारण्यक उपनिषद, और मंडन मिश्र की धर्मपत्नी ने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। पढ़ी नहीं होती वेद तो शास्त्रार्थ करती क्या शंकराचार्य जैसे महापुरुष से, सही बात। तो ये तो हम जो है अपनी आधी आबादी से बहुत अन्याय कर रहे हैं। माता सबसे पहले गुरु होती है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है सत्यापकाशमुद्रित क्यारी सिद्धांत ने, मातृमान पुरुषवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेद, माता हमारी सबसे पहले गुरु, और माता ही नहीं पढ़ी हुई तो बच्चे को कैसे बनाएगी। सही बात, संस्कार तो मतलब एक प्रकार से माता माँ से ही मिलता, माँ से ही मिलता, पिता से तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए ये बहुत गलत है और उन लोगों को समझना है। जी अच्छा, एक चीज़ और है आचार्य जी की, जब साइंस की बात होती है तो साइंस में कई बड़ी बड़ी थ्योरी दी गई हैं, स्टीफन हॉकिंस ने जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग दिया, या बिग बैंग थ्योरी चली, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात होती है साइंस में, क्या ये सब चीज़ों का वर्णन वेदों में मिलता है? देखें जो सही थ्योरी उनका तो मिलता है, और जो थ्योरी नहीं है कल्पना उनका नहीं मिलता। तो कल्पना क्या है इनमें से? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा ये कल्पना है। संसार के सबसे बड़ा झूठ, मैंने तो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ वैदिक साइंस में भी कहा था, मैं ही अकेला वक्ता था 320 में से जिसने बिग बैंग थ्योरी को झूठा सिद्ध किया, और मुझसे किसी ने प्रश्न नहीं किया। मैंने 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था ग्रेविटेशनल वेव की खोज को डिटेक्ट किया था, अमेरिका के तीन साइंटिस्टों को नोबेल देने की घोषणा हुई थी, तो मैंने नोबेल फाउंडेशन के चेयरमैन को लेटर लिखा, उसकी कॉपी तीनों उन वैज्ञानिकों को भेजी जिनको नोबेल देने की घोषणा हुई थी,
नासा को भेजी, दुनिया की सबसे बड़ी लैब सर्न को भेजी और इनसे विशाल जी से कहा कि टॉप 40 यूनिवर्सिटी छांटो दुनिया में। तो 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड को भेजी, उसमें 9 प्रश्न किए उनकी खोज पर, और साथ में ये भी कहा कि बिग बैंग से संबंधित आविष्कार खोजों पर भी आपने नोबल दिए हैं। मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ बिग बैंग थ्योरी इस फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है, इसको मैं किसी मंच पर सिद्ध करने के लिए तैयार। अच्छा, ये आपने लिखा? लिखा जी। तो फाउंडेशन ने उत्तर नहीं दिया, नासा ने गोल्ड कर दिया कि वो ये कह दिया इसमें प्रयोग में हम शामिल नहीं थे। अच्छा, वहाँ देखो न वहाँ देखो। लेकिन एक नोबल पुरस्कार विजेता का पत्र आया, मेल आया कि मैं आपसे अभिभूत हूँ लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ 2018 तक। मतलब वो आपसे सहमत थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब ये कहा कि मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अच्छा, 2018 तक। तो हमने 2019 आधी जनवरी में वापस मेल कर दिया कि अब दे दीजिए, और ये भी कहा उनको कि अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो मैं वैदिक फिर से उत्तर देने के लिए तैयार हूँ अगर आप चाहें तो। फिर वो मोहन साध थे। तो बिग बैंग थ्योरी झूठ। दूसरी थ्योरी है जैसे सत्य, अगर असत्य है, सत्य क्या है? जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सी थ्योरी बताई आपने? जैसे बिग बैंग थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये देखें जनरल रिलेटिविटी, स्पेस कर्व होता है, डिस्टर्ब होता है, तो वो ठीक है। वो हमारे यात्री ब्राह्मण में वेद विचार आरोप में विस्तार से दिया, इनको तो इतना पता भी नहीं। अब ये कहते हैं बहुत बड़ा कोई तारा हो, जनरल रिलेटिविटी का है, ये जैसे बहुत बड़ा तारा मान ले इसको, तो इसके पास से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो थोड़ा झुक जाएगी इधर। वो क्या कहते हैं, क्यों झुक जाएगी? वो कहते हैं कि बहुत बड़ा तारा होता है, बहुत बड़ा भार द्रव्यमान मास जिसमें होता है, वहाँ स्पेस थोड़ा सिकुड़ जाता है, कर्व हो जाता है, वक्र हो जाता है। तो वक्र हो जाता है, स्पेस में तरंग चलती है तो वो भी वक्र हो जाएगी। जैसे हमारा रोड ही वक्र हो जाता है, हम भी मोड़ेंगे, मोड़ आएगा तो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्पेस होता क्या है। कुछ चीज है, स्पेस है जब ही तो वक्र होगा, कुछ है ही नहीं तो वक्र क्या हुआ? स्पेस का ये दरी बिछी है, गलीचा है जो है, ये तो अगर इसको वक्र करेंगे, इसलिए वक्र हुआ क्योंकि इसके कुछ कंटेंट्स हैं, इसकी संरचना है, इसकी संरचना नहीं तो वक्र कैसे होगा? तो स्पेस की संरचना उनको पता नहीं, स्पेस के अवयव उनको पता नहीं, कंटेंट्स, फिर भी कह रहे हैं वक्र हो रहा है, तो वो अधूरी जानकारी। हम बताएंगे वक्र भी होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्पेस की अलग अलग संरचना है, अलग अलग उसके अवयव है, और अवयव है इसलिए वो वक्र होता है। तो ये चीज है वेद में। सूक्ष्म कणों की कणों के बनने की चर्चा है, तरंग की चर्चा है, सब तारों के बनने की चर्चा है। हमारे वेद विज्ञान आलोक में ही प्रकृति से लेकर के तारों के बनने तक की निर्माण की प्रक्रिया बहुत विस्तार से है। विज्ञान उसी को कहते हैं जो बदलता नहीं, और आज का विज्ञान किसको कहते हैं? जो बदलता है। एक थ्योरी आई, फिर दूसरी थ्योरी आई, फिर तीसरी थ्योरी, इसको कहते हैं डायनेमिक। डायनेमिक नहीं, भूलो सुधारो, भूलो सुधारो, ये फिर इसका काम रह गया आज। लेकिन हमारी मान्यता क्या है? वैदिक मान्यता यह है कि विज्ञान उतना ही मानो जो बदलता नहीं है, जो बदल जाता है वो गलत था जब नहीं बदला। सही बात। तो गलत है उसको विज्ञान कैसे कह सकते? तो सही सिद्धांत है वो वेद में है, कल्पना वेद में नहीं। तो जैसे आपने बिग बैंग थ्योरी को एक बहुत बड़ा झूठ बताया, तो आप बता सकते हैं वैदिक तौर से किस तरह वो झूठ है? मतलब बिग बैंग थ्योरी किस तरह हम वेदों से साबित कर सकते हैं कि वो बिल्कुल गलत है? पहले तो बिग बैंग थ्योरी एक मत नहीं है। बिग बैंग थ्योरी है क्या? कुछ समय पहले तक तो स्टीवन हॉकिंग की पुस्तकें पढ़े या एलन गूस की पुस्तक पढ़े, तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीरो में समाया था, वॉल्यूम उसका जीरो था। ये उनको कैसे भ्रम हुआ 1920 में? एडविन हवल अमेरिका के साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे थे गैलेक्सियों का, तो उनको ऐसा लगा कि जो प्रकाश बाहर से आ रहा है उसके ऊर्जा कम हो रही है, कम हो रही है, इसका अर्थ यह है कि वो कहीं दूर भाग रही है एक दूसरे से। जैसे कोई कार आती है,
हमारी तरफ आएगी तो आवाज़ बढ़ती जाएगी, दूर जाएगी तो आवाज़ कम होती जाएगी, वैसा उन्होंने लगा के उसकी एनर्जी कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो दूर जा रही है गैलेक्सी। तो दूर जा रही है, इसका अर्थ हुआ कि कहीं एक जगह से शुरू हुई है, ये कल्पना थी। मूलतः ये कल्पना बाइबल को स्थापित करने के लिए है। लेमेत्र नाम का एक पादरी, उसने ये कल्पना की। बाइबल ये लोग क्या कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, शून्य से सृष्टि बना दी परमात्मा ने। बिग बैंग वाले भी कहते हैं पहले सब जीरो जीरो में समाया था, लेकिन जीरो में समाया क्या था? इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, ये कहते हैं। तो मैंने वर्ल्ड कांग्रेस में कहा था कि जीरो में इनफाइनाइट समा, इनफाइनाइट तो गई, कुछ भी नहीं समा सकता। नथिंग से एवरीथिंग बनना तो दूर, नथिंग से समथिंग भी नहीं बन सकता। अगर वॉल्यूम जीरो है तो सब कुछ जीरो ही होगा, और जीरो से उत्पत्ति हो नहीं सकती। ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, सांख्य दर्शन कहता है कि जो अवस्तु है उससे वस्तु नहीं बन, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ये भी साइंस, ये भी साइंटिफिक है। अच्छा, तो जीरो से नहीं बनती, तो फिर पहले क्या था? अब दूसरे बिग बैंग वाले क्या कहते हैं कि नहीं, सब जगह था, जीरो में नहीं, ऐसे पटाखे जैसे नहीं फूटा। तो क्या हुआ कि सब जगह था और सब जगह स्पेस फैलने लगा। अब उनको पूछो, वो स्पीड, उसकी गति भी, स्पीड भी बताते हैं कितनी देर से फैला, 10^28 किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति है 10^8 मीटर पर सेकंड, और वो स्पेस फैलने की गति बता रहे हैं 10^28 किलोमीटर, 28 मीटर पर सेकंड, कितने गुना हो गया। अब फैला, इसको फैलना कहते हैं, फूलना कहते हैं, फूला स्पेस, फैलना नहीं बढ़। अच्छा, फूलने फैलने में क्या अंतर है? वो तो और तेजी से फैला, पटाखे में विस्फोट होगा तो तेजी से नहीं हो सकता, लेकिन ये इतनी तेजी से विस्फोट कर रहा है, फिर कहते नहीं नहीं विस्फोट नहीं हुआ, वो फैला केवल बात बदलने के लिए। क्यों बदलने के लिए? मैंने 2000 में ये स्टीफन हॉकिंग को अपनी पुस्तक भेजी थी, सृष्टि का मूल उपादान कारण, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन, अमेरिका के राष्ट्रपति को भेजी थी कि ये थ्योरी गलत चल रही है। सबसे पहले इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी, ये नहीं था, सबके सबसे पहले इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट्स थी, जीरो में नहीं था, इनफाइनाइट में बिखरा हुआ था सब। अब बाद में ये कहने लगे, वैसे एक स्टीवन विनबर्ग भी है जो 1979 में नोबेल मिला था उनको, वो कहते हैं कि सब जगह पार्टिकल बिखरे थे और उसमें बस अचानक हलचल होगी, वो बिग बैंग है। लेकिन वो 10^-11 सेकंड से प्रारंभ करते कहानी, जीरो से उन्होंने भी प्रारंभ नहीं की। जीरो पर सृष्टि बनी उस समय क्या था, ये किसी को मालूम नहीं है। बिग बैंग वाले 10^-43 सेकंड, इसको कहते हैं प्लैंक टाइम, इससे पहले की बात वो कहते हम नहीं जानते, क्योंकि वहां फिजिक्स के लॉज काम नहीं करते। अब विनबर्ग क्या कहता है, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, तो विनबर्ग ने कह दिया कि जीरो से मैं अपनी कहानी स्टोरी प्रारंभ नहीं करता, मैं 10^-11 से करूँगा, वो बच निकले। अच्छा, हर जगह स्पेस है, हर जगह फैल रहा है, तो उसका सोर्स भी तो कोई होगा, फैलाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन इन किसी के भी उनके पास उत्तर नहीं। तो इसलिए लॉजिकल रूप से पदार्थ कैसी स्थिति में होगा, प्रकृति, जो मैंने कहा प्रकृति का अर्थ इनफाइनाइट आयतन, अनंत आयतन में था, द्रव्यमान कितना था, शून्य, ताप कितना था, शून्य, शून्य डिग्री केल्विन, शून्य केल्विन नहीं, शून्य मतलब कोई ताप था ही नहीं, एक केल्विन सेंटीग्रेड फारेनहाइट, तो हमारे माप इससे पीछे जाएंगे तो जीरो केल्विन से भी और टेम्परेचर कम हो सकता है, वो तो हमारे माप। इनफाइनाइट कोऑर्डिनेट, कोई गति नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई एनर्जी नहीं, ये कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं, ये थी स्टेट, और इनफाइनाइट मतलब बिग बैंग जो जीरो वाले कहते हैं, इनफाइनाइट वाले कहे वो अलग बात है, उनसे हम बिल्कुल उल्टे। जो पार्टिकल आपस में टकराने लगे, जो बिग बैंग को ऐसे परिभाषित करते हैं, उनको ये पता ही नहीं है पार्टिकल इटरनल नहीं है, कोई पार्टिकल इटरनल नहीं है,
अनादि नहीं। जैसे एक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, और एक एंटी एक एलिमेंट्री पार्टिकल होता है फोटोन, एक होता है क्वार्क, वो एंटी क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, बहुत सारे। इन सबको क्या कहते हैं, ये इटर्नल पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है। एक नमक का क्रिस्टल है मेरे पास और एक मिश्री का क्रिस्टल, दूर से दोनों दिखेंगे एक जैसे, है ना, खाने से मालूम पड़ेगा एक मीठा एक नमकीन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये नमकीन के और ये मीठा, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे इनके संरचना में अंतर। दिखने में तो सफेद दिखते हैं लेकिन इनकी संरचना में अंतर, इनके जो अवयव हैं उनमें अंतर है, इनका जो सूत्र है रासायनिक सूत्र उसमें अंतर है। अब मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में क्या अंतर है, मास द्रव्यमान दोनों का बराबर, विद्युत आवेश दोनों का बराबर है, पर विपरीत है, एक में धन एक में ऋण है, और सब कुछ बराबर, स्पिन आदि सब बराबर है, धन ऋण का अंतर है, तो ये अंतर क्या है? नमक मिश्री में जैसे नमकीन मीठी का अंतर है, वैसा उनमें विद्युत ऋणावेश धनावेश का अंतर है, वो अंतर क्यों है? इसका अर्थ है वो एलिमेंट ही नहीं है, उनके कुछ कंटेंट्स हैं, उनकी कोई संरचना है, इसलिए उनमें अंतर है। इसकी संरचना अलग है, उसकी संरचना अलग है, तो जिसकी संरचना होती है वो अनादि नहीं होती, क्योंकि वो संरचना कभी न कभी बनी है, इसलिए एलिमेंट ही नहीं है। तो पहले जो कहते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, उनमें आपस में इंटरेक्शन होने लगा, तो वो तो इनिशियल स्टेट हुई नहीं, इनिशियल स्टेट के बारे में साइंस को कुछ भी पता नहीं, इसलिए थ्योरी गलत है। तो आपने जब फिर इनको भेजा था स्टीफन हॉकिंस को अपनी बुक, तो आपको क्या कुछ आया था रिप्लाई उनकी तरफ से? बस के लिए रिसीव आया था और ये कहा कि भाई हम इसका अभी हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं ऐसे बहानेबाजी। फिर मैंने 2013 में शायद 29 अगस्त 2013 को मैंने मेल किया था, कुछ प्रश्न 12 प्रश्न भेजे थे उन्हीं को, स्टीफन हॉकिंस औरों को भी भेजे थे, हाँ ना सब वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट को भेजे थे। तो उसमें एक प्रश्न ब्लैक होल को लेके था, ब्लैक होल पर ज़्यादा उनका काम था स्टीफन हॉकिंग का, तो ब्लैक होल से कोई वेव्स बाहर नहीं निकलती, वो ऐसा वो सब बातें थी, तो फिर उस पर टाइम रुक जाता है, ऐसी बातें मैंने उनसे प्रश्न किया था, तो उसमें उन्होंने फिर वही बातें कह दी। लेकिन जनवरी 14 में उनका एक स्टेटमेंट छपा या नेचर पत्रिका में या साइंस पत्रिका में, मुझे किसी ने पलवल से भेजा कि आचार्य जी आपकी बात की पुष्टि कर रहा है, तो उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जैसा ब्लैक होल हम मानते थे वैसा ही ब्लैक होल यूनिवर्स में कोई नहीं, दूसरे तरह का ब्लैक होल बता दिया। तब मैंने उनको लिखा कि आपने सच को स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद, पर क्या सच में मेरे वो प्रश्न का भी कुछ योगदान है कि नहीं है? और मैंने तो केवल प्रश्न ही किया, एक भारतीय खगोल शास्त्री आवास मित्रा जो भाभा एटम रिसर्च सेंटर में थे, उन्होंने ब्लैक होल पर 2004 में एक रिसर्च पेपर लिखा था, क्या उसका कोई योगदान है जो आपके ब्लैक होल को नहीं मानते थे? हाँ, तो वो मौन साध लिया, तो ये ठीक बात नहीं। 2014 में आप ये कह रहे हैं कि वैसा ब्लैक होल नहीं जैसा मानते हैं, आवास मित्रा 2004 में ये बात कर रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं उद्धृत कर रहे। मैंने कहा मेरा तो नहीं कहते कोई बात नहीं, मैंने तो प्रश्न किए थे, पर प्रश्न से भी तो एक बिंदु तो मिलता है ना सोचने के लिए, चलो मेरा नहीं उनका तो नाम लेते, उन्होंने तो पूरा एक पेपर लिखे थे कि ब्लैक होल ऐसा नहीं होता। तो इस पर भी आपको रिप्लाई कुछ नहीं मिला? ना, वो चालाक लोग। अच्छा जी, अच्छा एक चीज ये आपसे जानना था कि जब वेदों की बात आती है तो वेदों में एक यजुर्वेद भी है जिसमें यज्ञों के बारे में बताया गया है, कैसे यज्ञ करना है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो आज की डेट में बहुत से लोग यज्ञ प्रथा से बहुत दूर हो चुके हैं या लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना, कैसे करना या इसके क्या फायदे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं यज्ञ करने के क्या फायदे हैं और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहले तो यज्ञ शब्द का अर्थ है, सारी सृष्टि यज्ञ है। वेद एक ऋग्वेद मंत्र आता अयम होता प्रथमा पश्यत इदम्, यह सृष्टि यज्ञ का परमात्मा सबसे पहला होता है, इसे देखो। क्यों यज्ञ?
इसमें पदार्थ क्या होते हैं, डालते परमात्म और पदार्थ डाल कर हम सबका भला हो रहा है जीवों का। परमात्मा ही ब्रह्मा है, परमात्मा ही होता है, परमात्मा ही उद्गाता, सब कुछ परमात्मा है और प्रकृति में आवती बढ़ रही। जितने भी यज्ञ ऋषियों ने आविष्कार किए, विशेषकर श्रोत यज्ञों की बात करूंगा, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ऐसे बहुत सारे यज्ञ हैं, वाजपेयी यज्ञ, वो सारे यज्ञ हैं वो सृष्टि को समझाने के लिए, वो एक प्रकार से सृष्टि का मानचित्र है। जैसे हम सारे भारत को नहीं देख सकते लेकिन कागज पे भारत का मानचित्र हो तो उसमें ढूंढ सकते हैं दिल्ली कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, मुंबई कहाँ है, ये सब ढूंढ सकते हैं। GPS में अब से कहीं भी हम चले जाते हैं तो वो मैप है, मानचित्र है यज्ञ। अब ऋषियों ने ये मानचित्र क्यों किए? ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का वर्णन है, यज्ञों के माध्यम से सृष्टि को समझाया था। वो अग्निहोत्र की बात नहीं कर रहा, जो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे पहले। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ लोगों ने घोड़ा मारना शुरू कर दिया, अजामेध यज्ञ बकरी मारना शुरू कर दिया, ये बड़ी भ्रांति आ गई। तो इनकी जो सौम्याग हैं, यज्ञ ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण सौम्याग का वर्ण, पर सौम किसको कहते हैं? सौम सृष्टि का उत्पन्न हर पदार्थ सौम, उससे होने वाले यजन, यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगतिकरण दान तीन होता है। देव पूजा अर्थ है देव पार्टिकल्स को इकट्ठा करो, उपयोग करो और उनको मिलाओ, मिला करके दान कर दो, किसी के लिए उपयोग के लिए बना दो, परमात्मा ने सब करके हमारे उपयोग के लिए बना दी जीवों के लिए, तो यज्ञ है। उन्होंने इस प्रयोजन से यज्ञ बनाए थे ताकि लोग सृष्टि विज्ञान को समझ सके, लेकिन उससे दूसरा लाभ ये हो रहा था, पर्यावरण शुद्ध भी हो रहा था। ऋषियों के प्रतीक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक पंथ दो काज, सृष्टि भी समझी, पर्यावरण भी शुद्ध किया, और तीसरी बात क्या हुई, यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते उन मंत्रों का जो अर्थ है उसको भी जाने, अर्थ के साथ भावना को भी जोड़े, तो यज्ञ से आध्यात्मिक लाभ होगा। मतलब इससे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों का लाभ होगा। हाँ, योग दर्शन में जो जप का विधान है, तद जपस तदर्थ भावन, अर्थ के भावना के साथ ही जप किया जाए, ओम का जप करें या गायत्री मंत्र का जप करें और कोई जप करें, तो यज्ञ में जो मंत्र है उसे भी अर्थ की भावना के साथ आहुति देंगे तो फिर आध्यात्मिक लाभ होगा, नहीं तो आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं होगा, पर्यावरण का लाभ अवश्य होगा। जैसे अर्थ की भावना क्या, मुझे ये नहीं पता कांटा चुभना क्या होता है, बस कांटा चुभ गया ये वाक्य बोल दिया मैं, लेकिन अर्थ क्या जाना, अर्थ जाना कांटा चुभता है तो पीड़ा होती है, ये अर्थ जाना, लेकिन पीड़ा कैसी होती है ये तो मेरे चुभेगा जब मालूम पड़े, अर्थ की भावना वैसी बन जाए कि मेरे ही चुभ रहा है कांटा। अगर मैं मंत्र में बोल रहा हूँ कि धियो यो न प्रचोदयात, ईश्वर मेरी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित करे, या मंत्र बोल रहा है विश्वा ने दूरिता नहीं परास हुआ, सब दुर्गुण दूर करो मेरे और जो अच्छी है अच्छा ही मुझे परत कराओ, तो मैं भी क्या करूं उस समय अर्थ की भावना ऐसी हो जाए कि मेरे अंदर जो दुर्गुण है उन्हें मैं याद कर करके बाहर फेंकने की कोशिश करूं और सारी अच्छाई को अंदर आए ऐसी भावना करूं, वो है अर्थ की भावना। तो अर्थ की भावना के साथ यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ आत्मयाजी कहलाएंगे, वो अर्थ की भावना से नहीं करेंगे तो देवयाजी कहलाएंगे, अर्थात सृष्टि को शुद्ध करने वाले। यजुर्वेद मंत्र है, वाग यज्ञ कल्पतम, प्राण यज्ञ कल्पतम, अपान यज्ञ कल्पतम, व्यान यज्ञ कल्पतम, श्रोत्रम यज्ञ कल, आत्मा यज्ञ कल्पतम, इनको यज्ञ से पव समर्थ बनाओ। हमारी इंद्रिया यज्ञ का सबसे बड़ा साधन है, इन इंद्रियों से यज्ञ नहीं करें तो बाहरी यज्ञ काम नहीं आएगा, इनका संगति कर होना चाहिए। बुद्धि कुछ सोच रही है, जीव कुछ खाने को कह रही है, कान कुछ सुनने को कह रहा है, आँख कुछ देखने को कह रही है, ये सारा तारतम्य बिगड़ रहा है। यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण, सबका संगति होना चाहिए, हमारा मन बुद्धि के साथ संगत नहीं, बुद्धि आँख के साथ संगत नहीं, कान के साथ संगत नहीं, तो सारा जो साज है ना वो बिगड़ा हुआ है। यज्ञ का अर्थ है उस साज को ठीक करना, संगतिकरण, उस वो यज्ञ उसका प्रतीक है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ लाते हैं, कांका से इकट्ठी करते हैं, फिर उसकी आहुति डालते हैं, आहुति से सूक्ष्म परिणत होकर के वायुमंडल में मिल जाती है, वायुमंडल शुद्ध होगा, मंत्रों की ध्वनियों से भी शुद्ध होगा, मंत्रों की ध्वनि अर्थी पर बोले हैं और मंत्रों की ध्वनि उससे ज़्यादा प्रभावकारी होगी, अगर अच्छा सा स्वर पाठ हो रहा है वो भी प्रभावकारी, दूसरा उसकी भावना।
ये पर्यावरण में पृथ्वी पहला, जल प्रदूषण दूसरा, वायु प्रदूषण तीसरा, स्पेस प्रदूषण चौथा और मनस्तत्व प्रदूषण पांचवा। तीन प्रदूषण तो बोले जाते, प्राय जाने जाते, आकाश के प्रदूषण की चर्चा कोई नहीं। ये सारा रेडिएशन है, आकाश को प्रदूषित कर रहा है। और ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, हिंसा, पीड़ा, ये सब तरंगे मनस्तत्व को प्रदूषित कर रही है। जो सारे ब्रह्मांड में मनस्तत्व फैला है ना, उसको प्रदूषित कर रही है। मतलब एक प्रकार से आपने जो बताया कि मनस्तत्व है, हाँ, जो इतने लोग हैं, इतने सबके अंदर अलग अलग विचार हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, हाँ, तो जैसे कोई अगर बुरे विचार सोच रहा है या कोई अच्छे सोच रहा है, तो ये सबके विचार कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं वो मेन मनस्तत्व, हाँ, को, हाँ, और मेन ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को। ये क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, मतलब एक प्रकार से वाइब्रेट कर रहे हैं, सब वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अच्छी चीजें सोचो, अच्छा समझो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को इफेक्ट नहीं कर रहे हो, आसपास के वातावरण को, सबको इफेक्ट कर, इसलिए खराब। मैं झूठ बोलता हूँ मेरे लिए नहीं, सबके लिए हानिकारक। झूठ जो है ऐसे नहीं कह दिया, नहीं सत्यात परो धर्म नानता पातकम परो, इतना सामान्य नहीं कह दिया। श्री राम जी ने कह दिया सत्य में ईश्वर लोके, सत्य ही ईश्वर है लोक में। श्री राम जी ने भरत जी को कहा था, ये सामान्य बात नहीं है। अगर उपनिषद कहता है कि नहीं सत्यात परो धर्म सत्य में जयते, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और वेद ने तो ये तक कह दिया कि सत्येन सत्य नोत्तविता भूमि सत्येन तपते रवि, सत्य पर भूमि टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है। आज तो सब झूठ बोल रहे। अगर दिन में कोई गिनने बैठे कि मैंने कितने झूठ बोले, और सारा झूठ सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करना है। मनस्तत्व को प्रभावित करना, धरती को हिलाना। जैसे एक हमारे छत हिलने लग जाए, छत के ऊपर की दीवार, तो उतना खतरा नहीं, छत हिलेगा ज्यादा खतरा, दीवार हिले तो और खतरा। लेकिन मनस्तत्व तो सबका बेस है, सारी धरती हिल रही है, तो हम बच के कहाँ जाएंगे। इसलिए कभी तूफान आएंगे तो भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगी, गर्मी पड़ेगी, सर्दी पड़ेगी, ये सारा मनस्तत्व प्रदूषित है। और रेडिएशन से प्रदूषित आकाश तत्व, वायुमंडल का तो तीसरा नाम आता है, लेकिन दो का तो ध्यान ही नहीं। कितने सारे पशु मारे जा रहे हैं, मांसाहारी खा रहे हैं, बुचर खाने हैं, इनकी कितनी पैन वेव ब्रह्मांड में जा रही, सूर्य को प्रभावित कर रही। तो यज्ञ से वधु रहोगी अगर वो भावना के साथ करेंगे, और बाकी हिंसा रुकनी चाहिए। आपने जैसे पशु बलि की बात कही अभी, कि मतलब कितने सारे हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए, बलि नहीं, बूचड़ खाने की बात कर रहा था। हाँ, जैसे आपने बूचड़ खाने की बात की या मांसाहार, बलि से मुझे मतलब बलि याद आई मुझे उस बात से कि पशु बलि दी जाती है बहुत सी जगह, ऐसी मान्यता है, इवन अपने सनातन में भी है, कहा जाता है। कुछ लोगों से पूछो कि क्यों दी जा रही है फलानी फलानी जगह पशु बलि, तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं वेदों में वर्णित है कि पशु बलि देंगे तो फलाने देवता खुश होंगे, वो आशीर्वाद देंगे। तो इस तरह कैसे समझा जाए? लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि हर जीव के अंदर परम ब्रह्म है, हर जीव को मतलब उसी नज़र से देखो, मतलब करुणा प्रेम की नज़र से। तो फिर ये दो बातें आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होती? या तो मैं करुणा की नज़र से देख लूं, और या फिर देवता को खुश करने के लिए बलि दे दूं, मतलब क्या है इसमें सही? हाँ, दो बातें एक ग्रंथ में नहीं हो सकती, एक तरह की बात होगी। वास्तव में पशु बलि ये सनातन का विधान है ही नहीं, ये असुरों ने जोड़ दिया, विधर्मियों ने जोड़ा है। और दूसरी बात है, कुछ बातें ऐसी हैं कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थ करने में भूल हुई है। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे गौ शब्द है, गौ शब्द का अर्थ गाय भी होता है, लेकिन गौ शब्द का किरण भी होता है, गौ शब्द का पृथ्वी भी होता है, गौ शब्द का वाणी भी होता है, गौ शब्द का इंद्रियां भी होता है। हमने गाय ले लिया, मार दिया, इंद्रियों को संगत करने की बात हो तो गौ में दिया जो गया, मेद कम द्रव हिल संगम, हिलसार संग, मारना भी और उनको संगठित करना भी। तो सारी इंद्रियों को सुसंगठित करो, संगत करो, ये गोमेद हुआ। या अपनी वाणी को कंट्रोल रखो, या धरती को उर्वरा बनाओ, और गोमेद अर्थात विभिन्न किरणों का संगम इस ब्रह्मांड में हो रहा है, विभिन्न कणों का संगम ब्रह्मांड में हो रहा है, ये सब जगह गोमेद हो रहा है। अश्व कहते हैं तीव्रगामी तरंग, लेकिन अश्व घोड़ा ले लिया,
तो ये सब विनाश हुआ वेदों को और ब्राह्मण ग्रंथों को गलत समझने से। लेकिन कुछ जगह तो ये भी कहते ना, ऐसा दिया है कि मतलब बलि चढ़ाओ, ये उस देवता को दे दो, वो तो वो किस पर्पस से था? ऐतरे ब्राह्मण में यही है। अच्छा, न उसमें ऐसा कोई विधान है किसकी बलि चढ़ाओ फिर ये मिलेगा। उसका अर्थ दूसरा ही है। उसका अर्थ यह है कि इस प्रकार की किरणें कहीं अगर संगत हो तो उसका परिणाम ये होगा। उसको हमने कह के दिया इसको मार के बलि चढ़ाओ तो इसका परिणाम ये होगा। जैसे मान लीजिए किसी की बलि चढ़ा के इसका परिणाम होगा अन्न बढ़ेगा, अन्न मिलेगा। अन्न का अर्थ होता है संयोज्य पदार्थ। अन्न क्या होता है? हम खाते हैं, खाएंगे तो वो अदृश्य हो जाएगा, एब्जर्व हो जाएगा हमारे अंदर। तो जो कण एब्जर्व हो जाते हैं, जो कण किसी से मिल जाते हैं, वो अन्न कहलाते हैं। तो अन्न का अर्थ वो था, हमने ये ले लिया अन्न मिलेगा। और पशु का अर्थ, पशु का अर्थ सूर्य भी है, पशु का अर्थ जो कण है विजिबल पार्टिकल्स है वो भी पशु है, पशु का अर्थ छंद रश्मियाँ भी है वेद मंत्र, पशु का अर्थ प्राण रश्मियाँ भी है। जहाँ जैसा प्रकरण हो वैसा अर्थ लेना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया है कि सैंधव का अर्थ घोड़ा होता है और नमक होता है, दोनों अर्थ हो। अगर आप भोजन कर रहे हैं और अपने कर्मचारी को कहेंगे सैंधव ले आ, तो तब तो उसको देखेगा वो कर क्या रहे हैं, विशाल जी तिवारी क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो नमक लाए, आपको बाहर जाना है तो घोड़ा लाएगा, ये प्रकरण देखना। तो एक शब्द कहने का अर्थ है, और हमने भाषा सीखी कहाँ से? हमने भाषा वेदों से सीखी, भाषा भी वेदों से सीखी, ज्ञान भी वेदों से आया। भाषा और ज्ञान दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से है। हमने नाम वहां से रखे वेदों में से। भगवान मनु ने लिखा सर्वेशाम सतनामानि कर्माणि च पृथक पृथक, सभी नाम हमने वेदों से लिए हैं। तो वेदों से नाम पहले वेदों में थे, संसार में बाद में आए। अब हम क्या करते, संसार के नामों को देख के वेद में वो नाम खोजते कि गाय है, गाय घूम रही है, इसका वर्णन वेद में होना चाहिए, उल्टा। वहां से नाम लेकर के हमने इस पशु का नाम गाय रख दिया। जैसे रामायण में से मैं अपना नाम राम रख लूं, आपका नाम भरत रख दूं, फिर कहूं कि हमारे दोनों के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उल्टा हुआ कि नहीं? सही। तो वेदों पर लौकिक अर्थ नहीं थोपने, वेदों से लौकिक अर्थ निकलते हैं। कई अर्थ निकलते हैं, फिर प्रकरण देखना है कौन सा प्रकरण हिसाब से अर्थ हुआ, तो सारे अर्थ गड़बड़ कर दिए, इसलिए बहुत अनाचार हुआ। ये जैसे अभी आपने रामायण की भी बात की, मुझे एक चीज और याद आई कि हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि जब भी बात होती श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, तो हमेशा ये बताया गया कि वो लोग गुरुकुल जाते रहे वेद अध्ययन करने। तो ये तो पक्की बात है कि वेद सबसे प्राचीन हमारी ग्रंथ है, एक प्रकार से कहना चाहिए। तो वो लोग भी वेद अध्ययन करने गुरुकुल जाते थे। तो और जैसा कि आपने बताया कि वेदों में साइंस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो श्री कृष्ण जी का समय काल था या जो श्री रामचंद्र जी का समय काल था, तो तब भी क्या साइंस एग्जिस्ट करती थी वेदों के द्वारा? क्या हमसे भी ज्यादा मॉडर्न साइंस तब थी, या साइंस थी ही नहीं, या कैसा था? साइंस तो सबसे पहले सबसे ज्यादा साइंस, साइंस का अर्थ है एक व्यवस्थित ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जिससे सबका उपकार हो। साइंस की परिभाषा अगर देखें तो आज का साइंस की परिभाषा है प्रेक्षण के द्वारा, परीक्षण के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, गणित के द्वारा, जिसको सिद्ध किया जा सके वो साइंस। लेकिन ऋषि दयानंद ने विज्ञान की परिभाषा इससे भी आगे की, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा। ज्ञान में आ जाता है आपका मैथमेटिक्स, कर्म में आ जाता है प्रयोग, परीक्षण और प्रेक्षण तीनों। उपासना आधुनिक साइंस में नहीं है। मान लीजिए मेरे पास इस दीवार छत को नापने के कोई स्केल नहीं, मीटर स्केल नहीं, तो मैं कहूँगा, आप कहेंगे इसकी छत की ऊंचाई 8 फीट, तो मैं कहूँ कैसे मालूम मेरे पास स्केल नहीं है? मतलब स्केल नहीं होगा तो मैं मानूंगा ही नहीं 8 फीट, जबकि आप बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो मैं मानने वाला नहीं हूँ, ये साइंस नहीं है। स्केल नहीं है तो अपने तो जहाँ प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ हम देख नहीं पा रहे हैं, तो विचारों को बंद नहीं करना, वह सोचना है, तर्क करना है, उगा करना है, साइंस इसमें विश्वास नहीं कर, जो प्रयोग से सिद्ध नहीं वो नहीं मानेगा, फिर आगे फिर दूसरा प्रयोग करेगा तो मानेगा।
तब तक क्या हम खाली बैठे रहे? तो साइंस को मंडूक हो गया इन चारों सीमाओं में बंद करके, जिससे उसके बाद उपासना करो, ध्यान लगाओ, उवा से, तर्क से जानो सृष्टि क्या है। फिर ऋषि दयानंद की परिभाषा एक और बात है, जो सबके हित में हो वो विज्ञान, विद्या शिक्षा उसको कहना जो पर सबके हित में हो। आज के साइंस में सबके हित की तो बातें नहीं, जानने की कोशिश करनी, बड़े सबका नाश हो और नाश हो रहा है। तो प्राचीन काल में ऐसा विज्ञान था, सबके हित में था। रही बात टेक्नोलॉजी की, पहली बात तो टेक्नोलॉजी और विज्ञान में अंतर है, ये दोनों एक नहीं। टेक्नोलॉजी का आधार साइंस जरूर होता है, पहले थ्योरी आएगी तभी टेक्नोलॉजी बनेगी, थ्योरी नहीं बनेगी तो टेक्नोलॉजी नहीं बनेगी। मूलतः थ्योरी ही साइंस है। तो पहले साइंस भी थी और टेक्नोलॉजी भी थी। कैसे थी साइंस? साइंस ऐसी थी कि पहले जैसे मैंने ऐत्रेय ब्राह्मण को देखा, तो इसमें ऐत्रेय मईदास जी ने जो लिखा है, जो पिछले मैं समझो 4000 वर्ष हुआ किसी ने नहीं समझा, नहीं तो मुझे ये सब माता पति का नहीं जरूरत नहीं देती। क्या समझा उन्होंने? जो आप कह रहे थे पशु बलि, ये मंत्र, ये बलि दो तो ये मिलेगा, ये बलि दो तो ये मिलेगा, ये बलि दो ये मिलेगा, ऐसा लिखा समझे। मैंने सबसे इसको सांकेतिक भाषा इसको खोजा, कोड डिकोड किया करने का काम, जो मेरी अपनी कल्पना नहीं है, उन्हीं के शब्द हैं, और उन्हीं के शब्दों को खोलने के लिए दूसरे ब्राह्मण ग्रंथों के प्रमाण लिए। मैंने उसमें 124 ग्रंथों को प्रमाण माना लिया, प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है, जिसमें 95 तो वेद के ऋषियों के ग्रंथ और संस्कृत के ग्रंथ हैं, और 29 आधुनिक फिजिक्स के ग्रंथ। तो पहले सृष्टि उस ऐतरे ब्राह्मण को जब पढ़ेंगे, जैसे अभी अमेरिका के इंजीनियर ने मेरे वेद विज्ञान वालों को पढ़ के लिखा कि इस ग्रंथ को पढ़ने के, मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ी। अमेरिका के इंजीनियर हैं, कोई किसी कंपनी में ऑफिस मैनेजर हैं, पता नहीं कौन है, और बहुत स्वाध्यायशील हैं। उन्होंने लिखा कि मैं हजारों पुस्तकें पढ़ गया, रिलीजियस बुक, फिलोसॉफी की और क्वांटम फिजिक्स, लेकिन वेद विज्ञान आलोक जैसा ग्रंथ मेरे सामने नहीं आया, ऐसा हुआ। और इसको जब पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड मेरे से बातें कर रहा हो। तो अगर आप इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप सूर्य के भीतर बैठ करके सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सूर्य के बाहर बैठ के देख रहे हैं। तो इतना विस्तृत साइंस था जो मैं कह रहा हूँ, ये आलोक ग्रंथ जो है आधुनिक साइंस के लिए, फिजिक्स के लिए 100 वर्ष के लिए सामग्री देता है। एक निरुक्त का वाच भी दिया, वेदार्थ विज्ञान, वो भी बहुत गहरा, इससे भी गहरा है। इसका तो वो ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत गहराई में सृष्टि को जानते थे। और रही बात टेक्नोलॉजी की, तो इतिहास में टेक्नोलॉजी थी कि नहीं थी, इसमें विवाद हो सकता है, क्योंकि इसका प्रमाण नहीं होता। इसका प्रमाण कोई ग्रंथ ही होता है जिसमें कुछ लिखा हो। तो हमारे यहाँ के लिखे हुए को हमारे यहाँ से बहुत सारा साहित्य चोरी चला गया, और उस चोरी किए गए साहित्य से वो लोग विकसित हो गए। आज से 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले इंग्लैंड, यूरोप में कुछ नहीं था, अमेरिका बिल्कुल उजाड़ था, जंगली लोग थे, और हम बहुत समृद्ध थे, ये सब जानते हैं। जब आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कराचार्य आदि चरक सुश्रुत जैसे थे, वहाँ कुछ भी नहीं था यूरोप अमेरिका में, ग्रीस में जरूर साइंटिस्ट, यूनान में था, मिस्र में था। लेकिन अब वो आगे कैसे बढ़ गए, इसका कारण क्या है? यहाँ से धन भी ले गए, धन भी गया, यहाँ से ग्रंथ भी गए तो हमारी मूर्खता से गए, वो अलग बात। तो उनमें क्या लिखा है हमको जानकारी नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, दो उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है, भारत की पीढ़ी, भारत बौद्धिक दास, इसको हम समझाए ना, प्राचीन महर्षि भरद्वाज जी के बाद विमान था तो गप माने, झूठ गए। पुष्पक विमान की बात करूं तो भी वो नहीं मानेगा, उनको कोई इंग्लिश नाम बताए ना, इंग्लिश नाम फला विलियम जेम्स ऐसा कह रहा है या कुछ कह रहा है तो तुरंत मानेगा, बौद्धिक दास है कि नहीं? एक धोती वाला कहेगा नहीं मानेगा, और पैंट शर्ट टाई वाला कोट वाला कहेगा तो वो मान लेगा, ये जो पढ़ा लेगा, ये इसको कहते हैं बौद्धिक दास, जिसको अपनी वेशभूषा पर गर्व नहीं, जिसको भाषा पर गर्व नहीं, जिसको इतिहास पर गर्व नहीं, वो कोई भारतीय है। खैर, तो उसको संतुष्ट करने के लिए पहले मैं अपनी बात कहूंगा।
हमारे यहाँ एक हुए हैं ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी, उनके बारे में सुना जाता है कि वो पहले श्रृंगी ऋषि के आत्मा थे। श्रृंगी ऋषि के? हाँ, आत्मा। अच्छा अच्छा। त्रेता युग में जब श्री राम के यहाँ जो पुत्र यज्ञ कराया था, महर्षि श्रृंगी ने ही कराया था। अच्छा अच्छा। और उनको त्रेता के बाद अब जन्म मिला, तो उनके कई ग्रंथ हैं। उन पर आर्य समाज भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि आर्य समाज में भी कट्टरपंथ आ गया है मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें हमसे हटके कही तो वो स्वीकार नहीं। आर्य समाज में? हाँ, आर्य समाज में ऐसा हुआ। वो वैदिक अनुसंधान समिति दिल्ली में मनाई गई, उसके तत्वावधान में उनके प्रवचन होते, उन रिकॉर्ड करते। मैं तो 11वीं क्लास में उनको पढ़ा था, जब मैं 11वीं क्लास का छात्र था, चाचा जी के पास ये पुस्तकें थी, 26 पुस्तकें ले आए, मैंने पढ़ डाली। बीमार था, पढ़ाई छूट गई थी, तो वो पुस्तकें पढ़ डाली। मुझे लगता था कि मेरे सृष्टि के विज्ञान के विषय में मेरे प्रश्न बहुत गहरे हुआ करते। रुड़की यूनिवर्सिटी का फिजिक्स डिपार्टमेंट मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता था, जबकि मैं 11वीं का छात्र था। रुड़की यूनिवर्सिटी तो फेमस है, लेकिन उनकी पुस्तकों से लगा कि ये पुस्तकें अलग साइंस का वर्णन कर रही हैं, ये ब्रह्मांड की अच्छी व्याख्या कर रही हैं। मुझे लगा ये वास्तव में ऋषि होंगे। क्या था उनकी पुस्तकों में, मतलब? जैसे जो मैंने बताया था अपनी वीडियोज में कई बार, हनुमान जी के पास पाद के अंदर था, हनुमान जी के पास जिसके आधार पर वो सूर्य के पास, सूर्य पे चले जाते थे और सूर्य की परिक्रमा कर लेते थे। नारद जी ध्रुवतारे पर भी चले गए और लोक लोकांतर में जाते थे। नारद जी बहुत बड़े पर्यटक थे, केवल इस धरती पर नहीं, दूसरे लोक लोकांतर में जाते थे। तो नारद जी के पास भी विमान था? नारद जी पर अब योग शक्ति से भी जा सकते हैं, और विमान भी थे ऐसे। आज का विमान है ना, आज की जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रॉन और फोटोन, इस मतलब अग्नि तत्व पर आधारित। जिस समय वायु तत्व पर आधारित कोई टेक्नोलॉजी बनेगी तो बहुत तीव्रगामी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वो टेक्नोलॉजी कैसी थी हम नहीं जान सकते, पर वो बताते हैं कि घटोत्कच थे, घटोत्कच उनके पास भी विमान था। और घटोत्कच और भीम दोनों ने मिलकर स्पेस शटल बनाया था। अच्छा, घटोत्कच और भीम ने मिलकर? भीम ने मिलकर, चंद्रमा और वो चंद्रमा के पास में स्पेस शटल था उनका। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारी जानकारी, अद्भुत जानकारी दी है, पर इसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि उनके एक व्यक्ति ने मूर्छित अवस्था में भाषण दिया, उसको रिकॉर्ड किया, बोल दिया, उसको कैसे माने? ऐसा कोई ऑथेंटिक लिटरेचर हो, रामायण हो, महाभारत हो, तो माने भी। अब फिर मेरे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, अभी पहले मिनिस्टर थे, उन्होंने संसद में एक बार वक्तव्य दिया कि अमेरिका के डेविड हैचर चिल्डेस नाम का एक विद्वान है, उसने एक पुस्तक लिखी एंटी ग्रेविटी, उसको कोट कर रहे थे वो संसद में। कोट करके उन्होंने बताया कि 1975 में चीन में कुछ संस्कृत ग्रंथों की पांडुलिपियां मिली चीन पुरातत्ववेत्ताओं, वो पांडुलिपियों को उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को अनुवाद के लिए भेजा। उनकी समझ में नहीं आई ये क्या लिखा, इन्होंने अनुवाद करके चीन को भेज दिया और आईएससी बेंगलोर को भेज दिया, अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक अपने क्या करेंगे इस पर, अपने भारतीय वैज्ञानिकों ने रिजेक्ट कर दिया, किसमें कुछ नहीं। और चीन के वैज्ञानिक उसके आधार पर ही अपना स्पेस प्रोग्राम सारा स्थापित कर दिया उन सूत्रों से जो हमारी पांडुलिपियां थी। तो भारत की सोच कैसी है और चीन की सोच कैसी है? सही। तो वो मैंने एंटी ग्रेविटी पुस्तक मंगाई अमेरिका से, देखे उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारे लोग भारत की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, विदेशी और उस विदेशी को पढ़े, उसने लिखा है कि राम अयोध्या के राजा राम के पास विमान था, वो ऐसा जब चलता था तो जैसे दो सूर्य चमक रहे हो ऐसा प्रकाश होता था। हाँ, ऐसा उसने लिखा। ऐसा ही विमान भीम के पास भी था, तो ये तो न रामायण में न महाभारत में कहीं नहीं पढ़ने जाते, इसका अर्थ क्या है? और उसने ये भी लिखा है कि अयोध्या के राजा राम का युद्ध चंद्रमा पर लड़ा गया, रावण से नहीं, किसी अश्विन नाम के असुर से लड़ा गया, रावण से यहाँ लड़ा हो गया होगा। आज कोई सोच भी नहीं सकता चंद्रमा पर कोई युद्ध कर ले, अभी तो मनुष्य जाने की बात भी सोची जा रही, उस समय तो कितनी ऊंची टेक्नोलॉजी होगी, तब तो मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी जो कह रहे हैं उनकी बात सही होगी। जब डेविड हैचर, और उसने ये भी लिखा है कि उसमें इंटर स्टेलर स्पेस क्राफ्ट थे, एक लोक से दूसरे लोक में जाने वाले, तो हम नाराजीवादी वैसा ही सिंधु। और छांदोग्य उपनिषद देख नारद जी कितने बड़े वैज्ञानिक थे, छांदोग्य उपनिषद में लिखा क्या क्या विषय उन्होंने पढ़े थे। इसलिए ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने कहा वो मुझे बिल्कुल सही लगता है। अब ये विदेशी करा, अब विदेशी हमारी प्रशंसा क्यों करें?
बताइए, हम लोग तो पढ़ा होगा उसके पास, वहाँ कोई ग्रंथ है? यूरोप में होंगे, जर्मनी में होंगे, इंग्लैंड में होंगे, उनके पुस्तकालय में होंगे, हमारे पास तो रहे नहीं, और हम उसे लाने का इतना भी नहीं कर रहे। इसलिए प्राचीन काल में टेक्नोलॉजी थी आज से ज़्यादा थी। दूसरी बात, आज की जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो हानिकारक नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। और प्राचीन काल में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जिसकी कोई हानि। इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि वह टेक्नोलॉजी सृष्टि को पूरा समझने के पश्चात बनाई जाती, उनका फिजिक्स पूर्ण था। और आज का विषय अपूर्ण है, अपूर्ण ज्ञान के आधार पर कोई टेक्नोलॉजी। एक कहावत है ना, नीम हकीम खतरे जान, तो नीम हकीम खतरे जान ये टेक्नोलॉजी। एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, जब उससे खुद कंपनियां कमा लेती हैं, फिर कहते हैं इसका साइड इफेक्ट है, अब ये दूसरी टेक्नोलॉजी लाओ। बहुतों को तो मार दिया, उन्होंने तो पैसा कमा लिया, अब दूसरी टेक्नोलॉजी आ रहा, फिर पैसा कमाएगा, फिर एक आएगा कि इसका हानियाँ ये है, अब दूसरी टेक्नोलॉजी लाओ। ये चक्र व्यूह में हम सब फंसे। तो पहले टेक्नोलॉजी थी, उसमें लिखा है एटम बम भी थे उस समय महाभारत काल में, वही डेविड हेल्थ चिल्ड्रेस ने ये भी लिखा है, एटम बम थे, प्रयोग हुआ महाभारत में, लेकिन कोई भी रेडिएशन का प्रदूषण नहीं। पहले विमान होता, पहले अस्त्र होता था, ब्रह्मास्त्र है, एक व्यक्ति को मार होता, एक व्यक्ति मरेगा, हजारों को मार, हजारों मर जाएंगे, संकल्प से चलते थे, कितनों को मारना है, ये कितनी ऊंची टेक्नोलॉजी। आप तो एटम बम पड़ेगा तो ऐसा थोड़ी एक ही को मारेगा, सबको मारेगा। लेकिन आप एटम बम की बात करें तो जैसे हिरोशिमा नागासाकी में गिरा था, हाँ, तो वहां तो रेडिएशन 50 साल बाद अभी तक मतलब देखा ही जा रहा है, तो लेकिन उनका रेडिएशन फिर क्यों नहीं? वही तो विशेष टेक्नोलॉजी। अच्छा, कैसे उन्होंने रेडिएशन को रोकने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का विकसित प्रयोग की होगी जो रेडिएशन फैले नहीं, उसको कोई ऑब्जर्व ही कर ले, समाप्त हो जाए अपना काम करके। और एटम बम चलाएंगे तो वो पूरा जितना बिना जिसकी शक्ति वो मारे गए, लेकिन पहले ब्रह्मास्त्र एक व्यक्ति को संकल्प करके छोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को मारेगा, और सारी पृथ्वी का संकल्प सारी पृथ्वी का नाश कर देगा, कौन सी टेक्नोलॉजी थी? तो टेक्नोलॉजी बहुत उच्च स्तर, मतलब जो विमान भी थे, अस्त्र शस्त्र थे, सब हाईटेक थे बहुत। आचार्य जी, एक वीडियो थी आपकी, उसमें काफ़ी प्रश्न भी उठे थे। उसमें ये बताया था आपने कि हनुमान जी ने जो समुद्र पार किया था लंका जाते समय, तो आधे समय वो तैर के गए थे और आधे समय उड़ के, लेकिन ये बताया जाता है कि उन्होंने एक छलांग में पूरी समुद्र लांग गए थे। तो फिर इनमें से क्या सही है, मतलब किसे माने? इतिहास की बातों का प्रमाण, जैसा मैंने कहा कि इतिहास की बातों के प्रमाण ग्रंथ ही होते हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखें, मेरे पास गीता प्रेस गोरखपुरी रामायण है, तो उसमें कैसा आता है, वो अपने सीने से लहरों को चीरते थे, इसका अर्थ क्या हुआ, तैर रहे हैं। फिर आता है उनकी परछाई समुद्र के जल पर दिखाई दे रही थी, इसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर उड़ रहे। फिर आता है कि वो ऊपर से पर्वत पर कूद पड़े, इसका अर्थ वो उड़ रहे थे। तो तैरना और उड़ाना दोनों सिद्ध होता है इससे। अच्छा, तो हाँ, हमारे पास तो आधार वही है, हम कल्पना से कोई बात नहीं कर सकते। तो वाल्मीकि रामायण जो लिखा उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि सीने से पानी को चीरेगा, इसका अर्थ है वो तैर रहा है कोई व्यक्ति, और उसकी परछाई पानी भी गिर रही है, इसका मतलब ऊपर है वो पानी से, और एक पहाड़ की चोटी पर कूद पड़े, इसका मतलब पहाड़ की चोटी से भी ऊपर है, इसका उड़ के भी गई और तैर के भी गई, रामायण के प्रमाण से। ये वाल्मीकि रामायण में मिलता है, वाल्मीकि रामायण में मिलता है जी। तो फिर एक चीज यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है ना कि मतलब जब वो उड़ सकते थे तो फिर उड़ ही लेते एक बार में, तैरे क्यों फिर? 100 योजन की दूरी थी, 100 योजन आज तो 36 कोस की दूरी है केवल जाफना प्रायद्वीप में और ये कन्याकुमारी में रामेश्वर में सुनते, पहले का भूगोल अलग हुआ। इसलिए कई लोग इसकी गप मानते हैं कि 100 योजन की दूरी नहीं है, पहले लंका द्वीप ही अलग हो, दूर हो, या पहले ये रामेश्वर वाहनों के ऊपर हो, पानी के में बहुत बार बार डूब चुका हो, क्योंकि वो लाखों साल पुरानी बात। तो जो रामायण में 100 योजन की दूरी है, तो 100 योजन की दूरी 1 योजन में 4 कोस होती, तो लगभग 11,000 किलोमीटर हो गया। इसलिए कभी तैरे भी हैं, कभी उड़े हैं, ऐसा उसमें आता है, क्योंकि उड़ने की भी योग से उड़े, विमान से योग से भी आदमी आकाशगमन कर सकता है।
और ऐसे बीमार ऐसे भी यंत्र हो सकते हैं। वाल्मीकि रामायण से तो ऐसा कहीं नहीं आता कि उनके पास कोई विमान था, योग शक्ति से गए तो योग शक्ति में ऊपर उड़ लिए, फिर थोड़ा विश्राम के लिए तैर लिए, क्योंकि उसमें प्राण पर पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, आकाश का मंद। अच्छा, प्राण तक तुम्हें। हाँ, लेकिन अगर इसकी देखें, जैसे ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी ने जो श्रृंगी, उन्होंने जो बताया कि उनके पाद के अंतर तेज सूर्य में चले जाते, तो वो कुछ अलग ही कहानी कहता है। लेकिन उस उनका इस विषय में क्या कथन है ये जानकारी नहीं, पर वाल्मीकि रामायण तो ये कि तैरना भी है उड़ना दोनों सिद्ध। एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि कई बार आभास होता है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हो सकता कुछ महीनों में वो चीजें सही घटित भी हो जाती, सालों में या जब भी। तो आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आभास होता है ये क्या है, ये क्या टाइम ट्रेवल है या ये चीजें ऐसी कुछ एग्जिस्ट करती हैं अगर हम वेदों को देखें। टाइम ट्रेवल तो एक कल्पना है, परंतु जैसे कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में योगी हो और योग भ्रष्ट अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई हो, मतलब पूर्ण सिद्धियां उसको प्राप्त हो फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उन सिद्धियों के आधार पर आज भी वो पूर्व आभास उसको हो सकता है, दूर की बात बता सकता है, मन की बात बता सकता है, आज वो कुछ भी नहीं है लेकिन पूर्व संस्कारों के अनुभव बता सकता है, ऐसा संभव है। संभव है, भविष्य भी देखा जा सकता है। भविष्य एकदम तो नहीं देखा जा सकता लेकिन भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, ऋषि दयानंद के जीवन में भी आता है, लेकिन योगी ही, अच्छा योगी ही ऐसा कर सकता है। मतलब ये सिद्धियों की बात है तो व्यक्ति अगर साधना करे तो ये सब सिद्धियां सही है जो प्राप्त किया जा सकता है हर तरह की जो भी है। योग दर्शन की सिद्धियां सब सही। अच्छा, योग दर्शन विभूति पाद है वो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज और है कि जब बात टाइम ट्रेवल की आती है तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है पैरेलल यूनिवर्स का, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है पैरेलल यूनिवर्स? साइंस में तो बहुत सारे यूनिवर्स की कल्पना है, पैरेलल यूनिवर्स, मिरर यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, ये बहुत सारी काल्पनिक थ्योरी चल रही है। मैं और आप बैठे हैं, मेरे बीच में एक और यूनिवर्स है वो हमें दिखता नहीं है, ये बिल्कुल कल्पना है। बहुत सारी स्टीफन हॉकिंग की बहुत कल्पना थी, बहुत कल्पना करते रहे और अंतिम समय तो उनकी स्थिति हो गई थी। एक बार बड़े हेडलाइंस छपी अखबार कि हिग्स बोसॉन ब्रह्मांड का प्रलय भी कर सकता है, तो मैंने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा कि ये क्या है, तो क्या लिखते हैं वो अखबार वगैरह, क्या लिखता है कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री ने कहा है कि हिग्स बोसॉन का अगर मास समाप्त हो जाए तो ब्रह्मांड का प्रलय हो गया। ये भी कोई बात है, अब मैं कहता हूँ छत गिर जाए तो हम सब मर सकते हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो वैसे स्टेटमेंट के लिए कई वैज्ञानिक फिलोसोफर टाइप बन जाते, दार्शनिक बन जाते, तो ये कल्पना है। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि भगवान जो ईश्वर है वो मतलब कई ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे कई ब्रह्मांड है, कई यूनिवर्स है, तो फिर चीजें तो एग्जिस्ट हो सकती है ना जहाँ। उसके लिए यूनिवर्स की परिभाषा निश्चय करनी पड़ेगी, यूनिवर्स कहते किसको, जो ये लोग मल्टी यूनिवर्स मानते हैं स्टीम थ्योरी वाले 10^500 यूनिवर्स मानते, फिर वो कहते हैं स्टीवन हॉकिंग कहते हैं कि एक यूनिवर्स का अलग नियम है और दूसरे यूनिवर्स का अलग नियम है, यहाँ के फिजिक्स के लोग उसमें काम नहीं करेंगे, ये कल्पना है। ईश्वर के नियम सब जगह एक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ सबसे छोटा होता है और स्ट्रांग फोर्स सबसे बड़ा होता है जो न्यूक्लियस के अंदर काम करता है, कहीं ऐसा हो जाए कि गुरुत्वाकर्षण सबसे प्रबल हो जाए और स्ट्रांग फोर्स सबसे हल्का सबसे कम हो जाए, न्यून बल हो जाए, तो सृष्टि बनेगी ही, वो यूनिवर्स बनेगा नहीं। अगर यूनिवर्स कहें कि एक गैलेक्सी को यूनिवर्स माने तो अरबों गैलेक्सी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिवर्स की परिभाषा तय करनी पड़े, ब्रह्मांड की परिभाषा है। अगर ब्रह्म एक कॉस्मिक मेघ को माने जिससे सौरमंडल बना, तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हुए हैं, अगर इसी ब्रह्मांड सौरमंडल को ब्रह्मांड मान या गैलेक्सी को मान। लेकिन ब्रह्मांड से अर्थ ये ले कि जो भी ईश्वर ने बनाया है वो एक ही हो, गैलेक्सी अलग हैं, गैलेक्सियों के फिर गुच्छ, लाखों गैलेक्सियों के समूह वो अलग हैं,
फिर ऐसे अलग अलग समूह वो अलग है, अब उनमें से किसको ब्रह्मांड को मानेंगे, लेकिन जो भी मानेंगे उन सब में नियम एक ही काम करें। तो फिर अगर ये देखा जाए तो क्या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, जैसे एलियंस की बात होती है, तो इस टाइप से भी कुछ संभव है? बिल्कुल संभव है, लाइफ तो सब जगह संभव हो सकती है। हमारे शरीर पार्थिव शरीर है, सूर्य में भी जीवात्मा रह सकता है, उसको कुछ जलता नहीं, उसके शरीर आग नहीं होगा, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, कोई और किसी से जीता होगा। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की जरूरत है तो पौधों के अंदर क्लोरोफिल की जरूरत है, थोड़ा सा ही अंतर है। हमारे अंदर आयरन का वो आयन होता है, उसमें मैग्नीशियम का होता है, क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन इतना ही अंतर है। तो ऐसे जीव भी फिर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आत्मा जीवात्मा कहीं भी रह सकते हैं, हर जगह जीव है। मतलब ये है कि आत्मा तो चलिए एक है, लेकिन बात जब ऐसे लाइफ किया जाती है मतलब भौतिक तौर से, तो फिर ये अलग अलग जगह हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। कहीं गैसेस स्टेट, वायु वायव्य भी शरीर हो सकते हैं, कि आग्नेय शरीर हो सकते हैं, हमारे पार्थिव शरीर वो हो सकते हैं। ये सब चीज़ें तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, और एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल लोग जब खान पान की बात आती है तो लोग एक तरफ वीगन डाइट चला हुआ है, उसमें ये बोला जाता है कि मतलब टोटल पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट हो जाओ, और जो भी ये मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वगैरह हैं गाय के, ये भी नहीं लेना है, क्योंकि कहते हैं कि जो गाय का दूध है वो गाय के बछड़े के लिए, वो हमारे लिए नहीं है, तो उसको नहीं लेना है। सिर्फ हम मनुष्य हैं जो मतलब जानवरों का दूध लेते हैं या पशुओं का दूध लेते हैं, जैसे भैंस हो गई, या फिर गाय का नहीं लेना चाहिए। तो आपका इस पर क्या विचार? जो ऐसा कहते हैं उनकी जो मीट प्रोडक्ट हैं, जो मांसाहार का उद्योग है, मीट उद्योग, उनसे साठगांठ मुझे ऐसा लगता है, अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो गाय को कोई पालेगा नहीं, भैंस को कोई पालेगा नहीं, बकरी को, ये सब कहाँ जाएंगे, मरेंगे नहीं मरेंगे, कसाई दे जाएंगे। ये दोनों दोनों ही मानवता के शत्रु। अब वो दूध कहते हैं दूध भोजन नहीं है, परमात्मा सबसे पहला भोजन स्तनधारियों का दूध ही बनाता है। रही बात गाय के बछड़े के लिए, वह ठीक है उनकी, लेकिन वे लोग किसी मजदूर को मजदूर पे तो रखते हैं, उनसे कहेंगे तुम इनका इनसे काम क्यों कराते, शोषण कर रहे हो, वो शोषण कर रहे हो, तुम काम करा रहे हो, इसलिए उसका पेट भर रहा है। हम गाय को पाल रहे हैं तो गाय बची हुई है, गाय को नहीं पालेंगे शेर को नहीं पालता, शेर कितने दिखते, हाथी पालना बंद हो गया हाथी कहाँ गए, घोड़े पालना बंद हो गए घोड़े कहाँ गए, सब मर गए ना, क्या हुआ उनका, वैसे गाय भी ऐसी हो जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, गाय की हम सेवा करें, उसकी बछड़ों को भी पर्याप्त दें, गाय को पर्याप्त भोजन कराएं तो फिर ठीक है, लेकिन गाय को कुछ भी नहीं खिलावें, दूध निकाल के सड़क पर छोड़ें तो अपराध, इंजेक्शन ला के दूध लें जबरदस्ती करें तो वो अपराध है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन गाय का दूध पियेंगे तो ही गाय बचेगी, नहीं तो नहीं बचेगी। फिर कहेंगे हमें तो हर मनुष्य हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये हमारे नहीं बनाए, लेकिन बछड़े को भूखा रख के आनंद दूध लेते तो निश्चित ही अपराध वीगन जो है। और दूसरी साजिश क्या है, वीगन से प्रोटीन की कमी कैसे पूरी होगी, आज क्या कहते हैं कि जितना जो बॉडी वेट है उसके अनुसार प्रोटीन खाना है, प्रोटीन खाना है और दूध मना है, तो प्रोटीन कहाँ से लाएंगे, दालों से प्रोटीन खाएंगे तो कहेंगे कि वो गुर्दे के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा दालें गुर्दे के लिए अच्छा नहीं है, और पेशाब में कौन सा वो एक तत्व बन जाता है, वो ज़्यादा हो जाएगा गुर्दे खराब होने लग जाएंगे, तब खाना फिर होकर मीट खाओ, वो मीट खिलाए, धूप में धूप से बचना है, कैंसर हो जाएगा, सब धूप से कपड़े सारे ढक लेंगे, महिलाओं पुरुषों को देखो सारे कपड़े ढक लेंगे, क्या होगा, विटामिन डी की कमी, गोलियां खाना, सही, प्रोटीन की कमी, प्रोटीन एक्स लाना, कीड़े मकोड़े सड़ा करके प्रोटीन बाजार में पैक करके हम बढ़िया दे, हम खाएंगे दूध में डाल के, हमें थोड़ी पता उसमें क्या डाला है, जब कॉकरोच से दूध बना लेता है आदमी मार मार के, दो भारतीय डॉक्टर वैज्ञानिकों ने अमेरिका में कॉकरोच से दूध बनाया, और कॉकरोच से दूध हम खरीद के लाएंगे तो हम तो पिएंगे, हमें क्या पता इससे कैसे बनाया, तो सारी साजिशें चल रही हैं। प्रोटीन की कमी होगी, मांस वालों को फायदा होगा, गाय मरेगी पर भैंस मरेगी तो मांस वालों को फायदा होगा, फिर वो मांस हमारे पे प्रोटीन के लिए हमें लाया जाएगा कि ये प्रोटीन इससे पूर्ति होगी,
विटामिन दूध की, दूध न पीने से विटामिन B12 की कमी होगी, विटामिन बी की कमी होगी जो इससे दूध से मिलता है शाकाहारियों में, तो फिर क्या होगा, विटामिन B12 की बी की गोलियां खानी पड़ेंगी। तो सब फार्मा कंपनियों का ये जाल है, रोगी करो और दवाई बेचो, ये सारी नीतियां हैं। तो मैं उनको वीगन वाले को उतना ही खतरनाक मानता हूं जितना खतरनाक मांसाहारी है, मांस विक्रेता है, दोनों की परस्पर दोनों लगेगा एक दूसरे के विरोधी। ये भी तर्क देंगे, कोई किसी पशु का दूध नहीं पीता दूसरे पशु का, बिल्ली के सामने दूध रख दो नहीं पिएगा, है बिल्ली के पिएगी, किसी का दूध सब पी जाएंगे। वो कहते बड़ा होके कोई दूध नहीं पीता, अब बैल को दूध की बाल्टी भर के देखो, देखो पीता है कि नहीं पीता, पर इतना झुंड बहकाते हैं, झुंड बहकाते हैं और डेयरियों के दृश्य दिखाते हैं, डेयरियों में कैसे मशीनों से दूध तंग किया जा रहा है, और उनके क्या दिखा रहे हो, किसान पा रहा है उसको देखो ना कितना कैसे सेवा करता है किसान अपने पशु की, उसको क्यों नहीं दिखाते, डेयरियों क्यों दिखा रहे हो, डेयरियों के लिए जिम्मेदार वो गाय क्यों बेचारी, उसके लिए तो दिखा रहे हो कि गाय को ऐसा सताया जा रहा है, इंजेक्शन लाया जा रहा है, उनको बूचड़ खाने का चित्र नहीं दिखाते कि देखो कैसा मारा जा रहा है, बूचड़ खाने से भी ज्यादा दूर ही आ रहा देखे डेयरी होगी। तो ये साजिश है। आज आपसे चर्चा की, बहुत कुछ जानने को मिला और आशा करते हैं कि आगे भी आपसे चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा, और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते।